गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? कंपनीज एक्ट 2013 के रिवीजन की थकान उतर गई क्या आप लोगों की? इतना हमने जोरदार तरीके से 2 दिन में पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज कर लिया। उसका जो एक टेंशन था दिमाग के ऊपर, जो हम लोगों ने इतना दिमाग में कल प्रेशर डाला था, आर यू गाइस ओके नाउ? क्या हम लोग आज से इंडस्ट्रियल लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन सेशन चालू कर सकते हैं क्या? चलिए फटाफट से मुझे बता दीजिए, और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं प्लीज अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा दो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। नीति ने कहा है यस मैम, बाकी के लोग किधर है? सूरज ने भी कहा है, अच्छा सूरज ने हाय कहा है, ओके हेलो सूरज, हाउ आर यू? जो लोग आ चुके हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक मारेंगे, बिना लाइक मारे लेक्चर में आने का ही नहीं। मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाते हैं ना, वैसे पहले लाइक मारने का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्रियल लॉ आप लोगों ने ये पढ़ लिया है या इसको फुल फ्लेज ऑप्शन में छोड़ दिया है कि मैम 10 मार्क के लिए आता है तो नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं? तो भैया आप पढ़ा है या छोड़ दिया है, ये एक पहले आप मुझे बता दो, एक मुझे क्लैरिटी दे दो, मतलब मुझे समझ में आएगा कि भैया इंडस्ट्रियल लॉ के लिए आप लोगों का सीरियसनेस कितना है। हेलो अंकित, सूरज कह रहे हैं मैम यू आर माई टीचर क्रश, ओ माई गॉड थैंक यू सो मच। कोड ऑन वेजेस नहीं हुआ है, ओके okay. बाकी चारों एक्ट्स हो गए आपके, फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआईसी, इन लोगों का क्या स्टेटस है? इन चैप्टर्स का, सॉरी, इन चैप्टर्स का क्या स्टेटस है? चलिए हम लोग अगला 2 मिनट हमारे सारे कंटेस्टेंट्स का वेट करेंगे, अगर वो आते हैं तो लेक्चर आगे स्टार्ट होगा, नहीं भी आते तो भी लेक्चर आगे स्टार्ट होगा। लास्ट 2 मिनट्स हम लोग अभी वेट करने वाले हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, भाई बंधु है, बाबू सोना है जिनको ये सेशन देखना है तो प्लीज 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 उन्हें आप कन्वे कर दीजिए दैट द सेशन हैज स्टार्टेड। और बहुत जोरदार तरीके से पहले वाले सेशन में हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी खत्म करने वाले हैं, दूसरे वाले सेशन में ईपीएफ और ईएसआईसी खत्म करेंगे, मतलब हम लोग 70% ऑफ द सिलेबस अभी आज ही खत्म कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल लॉस। और कोड ऑन वेजेस हम लोग कल लेंगे क्योंकि वो थोड़ा हेवी हो जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी 4 एक्ट्स को सब्स्यूम किया गया है। तो आज हमारा टारगेट है 4 एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट,
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ईपीएफ एंड ईएसआईसी। इतने अच्छे से नहीं हुआ है मैम इंडस्ट्रियल लॉ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाले सेशन को अटेंड कर लो, चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। इतने अच्छे से नहीं हुआ है का मतलब है कि आपने पहली बार पढ़ा तो है बट वो लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ के हुआ है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो भैया रिविजन सेशन उसी के लिए, सो नॉट टू वरी। चलिए हम लोगों ने बहुत वेट कर लिया, अब जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं फटाफट से मुझे ग्रीन सिग्नल और रेड हार्ट्स दे देंगे ताकि हम लोग सेशन चालू कर देंगे। यस अंकित, आप लोगों का प्यार मुझे मिल चुका है, लास्ट वाली बेंच के जो मेरे बच्चे थे उन लोगों का प्यार मुझे मिल चुका है। अभी आप लोगों को अपना प्यार इंडस्ट्रियल लॉ के लिए बचा के रखना है, सो फटाफट से ग्रीन सिग्नल रेड हार्ट्स ऑन माय स्क्रीन ताकि मैं हमारा इंडस्ट्रियल लॉ चालू कर सकूं। यूनिट नंबर 3 इंडस्ट्रियल लॉ। सबसे पहले हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट रिवाइज करने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रिवाइज करने वाले हैं। चलिए बॉस फटाफट से ग्रीन सिग्नल रेड हार्ट्स मुझे दे दो ताकि सेशन को हम लोग शुरू कर सके। इस वाले सेशन से हमको इंडस्ट्रियल लॉ चालू करना है, इंडस्ट्रियल लॉ के सारे चैप्टर्स हमको खत्म करने, 5 चैप्टर्स है टोटल। तो आज के पूरे दिन में दोनों सेशंस में हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ईएसआईसी और ईपीएफ कवर करेंगे, कोड ऑन वेजेस हम कल करेंगे, करेक्ट। इफ टाइम परमिट्स आनंद, पक्के में मैं राइटिंग सेशन लूंगी, बट इफ टाइम डजंट परमिट देन आई कांट डू एनीथिंग। सबसे पहले रिविजन इंपॉर्टेंट है, श्रुति और सुप्रीति ने मुझे रेड हार्ट्स दिए हैं, काश आप लोग मुझे ग्रीन सिग्नल भी देते तो मैं सेशन चालू कर देती। तो फटाफट से ग्रीन सिग्नल प्लस रेड हार्ट्स, ये तीनों दोनों चीजें मुझे चाहिए तो हम लोग सेशन को चालू करते हैं। वंदना अगर टाइम परमिट करता है रिवीजन के बाद में, अगर टाइम बचता है क्योंकि 10th of December से एग्जाम है आप लोगों का, ओल्ड सिलेबस वालों का अकाउंट्स का पेपर है उस दिन, न्यू सिलेबस वालों का तो लॉ का ही पेपर है। इफ टाइम परमिट्स श्योरली आई एम गोना ब्रिंग इट, सो नॉट टू वरी, ट्रस्ट मी। चलिए बॉस आवी गुड टू गो, अभी हम लोग सेशन चालू करते हैं, बाकी की बातें सेशन के एंड में करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों को सेशन चालू करना है तो प्लीज लेट मी नो आवी गुड टू गो। चलिए बॉस मिल चुका है मुझे ग्रीन सिग्नल और रेड हार्ट भी मिल चुके हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यूनिट नंबर 3 इंडस्ट्रियल लॉ, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पूरे इंडस्ट्रियल लॉ का सबसे जूना एक्ट, सबसे पुराना एक्ट 1948, मतलब आजादी मिलने के बाद से ही ये एक्ट क्या हो गया था, आ गया था, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का भी वेट नहीं किया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमने क्या कर दिया, अप्लीकेबल कर दिया। इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है मैम, एनफोर्समेंट डेट हर एक्ट की याद रखना है क्या, नहीं, पर इंडस्ट्रियल लॉ के जो एनफोर्समेंट डेट्स है वो पेपर में ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछे गए हैं इसके पहले, इसीलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो फैक्ट्रीज एक्ट का एनफोर्समेंट डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 1949, मतलब 1948 में ये एक्ट बन गया था, उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल 1949 से ये क्या हो चुका था, लागू हो चुका था हर इंडस्ट्री पे। अब जब आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल लॉ के बाकी के जो 4 चैप्टर्स है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआईसी और कोड ऑन वेजेस, ये सारे के सारे एक्ट पैसे की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में ग्रेच्युटी के पैसे की बात होती है, ईपीएफ में प्रोविडेंट के पैसे की बात होती है, ईएसआईसी में इंश्योरेंस के पैसे की बात होती है, कोड ऑन वेजेस में सैलरी की बात होती है। तो भैया हर
सो सॉरी, हर जगह पैसे की बात की गई है। फैक्ट्रीज एक्ट अकेला ऐसा एक्ट है जिसके पूरे एक्ट में पैसे का कुछ बोला ही नहीं है। मतलब ये वाला जो एक्ट है ये पैसे से डील ही नहीं करता। तो मैम ये वाला एक्ट किसके साथ में डील करता है? तो ये वाला एक्ट तीन मेजर पिलर्स के साथ में डील करता है। ये वाला एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तीन मेजर पिलर्स के साथ में डील करता है, विच इज द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय। क्या कहा मैंने, कौन से तीन पिलर है? हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। वापस मेरे साथ रिपीट करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डील्स विद थ्री मेजर पिलर्स, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब कि इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो एम्प्लॉय की हेल्थ से, उसके वेलफेयर से और उसकी सेफ्टी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एम्प्लॉय के वेजेस की बात करेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे हम उसके ग्रेचुएटी ग्रेचुएटी की बात करेंगे क्या? नहीं। हम पैसे की बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वर्किंग कंडीशंस इन अ फैक्ट्री वेयर एम्प्लॉयज आर वर्किंग। जहां पे भी एक फैक्ट्री सिचुएटेड है, फैक्ट्री की डेफिनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं, जहां पे भी एक फैक्ट्री सिचुएटेड है, जहां पे भी एक फैक्ट्री सिचुएटेड है, अगर वहां पे लेबर्स काम कर रहे हैं, अगर वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री पे अगर फैक्ट्रीज एक्ट लागू होता है तो इन फैक्ट्रीज को वर्किंग कल्चर के रिलेटेड, वर्किंग कंडीशंस के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब ये वाला एक्ट एम्प्लॉय के ऊपर लागू होता है या फैक्ट्री के ऊपर लागू होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इतना जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया फैक्ट्रीज एक्ट डील विद द वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, तो मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्रीज एक्ट इंडस्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज को लागू होता है या एम्प्लॉयज पे लागू होता है? फैक्ट्रीज पे लागू होता है या एम्प्लॉयज पे लागू होता है? मैम ऑफ कोर्स फैक्ट्री एक्ट्स गेट अप्लीकेबल टू द फैक्ट्रीज इन विच द एम्प्लॉयज आर वर्किंग। मतलब इस प्रोविजन का पालन किसको करना है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका पालन किसको करना है? फैक्ट्रीज को करना है। किसको करना है? फैक्ट्रीज को करना है। कौन सी फैक्ट्रीज को करना है? जिनके अंदर लेबर काम कर रहे। अरे कॉमन सेंस की बात है, लेबर ही काम नहीं करेंगे तो वर्किंग कंडीशन का क्या अचार डालेंगे क्या उधर बैठ के? नहीं ना। तो फैक्ट्रीज को, जहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन फैक्ट्रीज को ये वर्किंग कंडीशन के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। आर वी गुड अप टिल हियर गाइस? इतना समझ में आया कि व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ ब्रिंगिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948? आर वी गुड टू गो अहेड? यहां तक आपको समझ में आया? Yes, perfect. So let's get started. सबसे पहले जानते हैं कि what are the objectives? What are the objectives? भैया किस लिए Factories Act 1948 लाया गया? मैंने जब मैं regular class लेती हूँ, मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि जब law लाया जाता है ना, अगर कहीं पे कोई law बनाया जा रहा है, कहीं पे कोई rules and regulations बनाए जा रहे हैं, तो भैया पहले कुछ तो कांड हुए हैं। वो कांड को सुधारने के लिए और वो कांड आगे नहीं होने चाहिए, इसके लिए अभी क्या आता है? कोई लॉ आता है जो क्या करता है, इन कांड को आगे होने से रोकता है। दैट मींस 1948 के पहले फैक्ट्रीज में शायद वो वर्किंग कल्चर नहीं था, वर्किंग कंडीशन नहीं था, जिसके वजह से एम्प्लॉयज के साथ में क्या होने लगा था, प्रॉब्लम होने लगा था। उन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, फैक्ट्रीज का वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट। तो भैया ये फैक्ट्रीज एक्ट लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, ये अपन अभी देखेंगे। रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द फैक्ट्री, ये मैंने ही आपको अभी बताया। प्रोटेक्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द बिजनेसमैन। जो ये हमारे बिजनेसमैन थे, ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारे एम्प्लॉयज को इतना एक्सप्लॉयट करते थे कि भैया दिन रात काम करो। जैसे अभी नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि वीक में 70 आवर्स वर्क करो, ये स्टेटमेंट आपने सुना है क्या? यस yes. तो पहले के जो बिजनेसमैन थे वो भी यही करते थे कि भैया वर्कर्स को बोल रहे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, काम वर्कर कर रहा, बेनिफिट किसको हो रहा, बिजनेसमैन को हो रहा। दैट मींस जो हमारा वर्कर है उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या बना, फैक्ट्रीज एक्ट बना। इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, अगेन वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना है। रेगुलेटिंग वर्क
एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन एंड यंग पर्सन एनुअल लिव्स विथ वेजेस। यहाँ पे और क्या देखते हैं कि भैया अगर कोई महिला काम कर रही है, कोई बच्चे काम कर रहे हैं, अब बच्चे मतलब 14 के अंदर की उम्र वाले नहीं, 14 से ऊपर वाले लेकिन 18 तक की एज वाले, अगर ऐसे कोई लोग आपके पास में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से प्रोविजन आने चाहिए, वुमेन को किस तरीके से वर्क करवाना चाहिए, ये सारी बातें वहां पे दी गई है। प्लस अगर कोई इंसान छुट्टी ले रहा है एनुअली उसको कितनी छुट्टी मिलेगी, उन छुट्टी के लिए उसको कितना पेमेंट होगा, ये सारी बातें क्या हो रहा है यहाँ पे बताई गई है। इट इज अ सोशल लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तीन मेजर पिलर्स, तीन मेजर बातों के बारे में फैक्ट्रीज एक्ट बात करता है, विच इज द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। कि भैया एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो आपके वर्किंग कंडीशंस ऐसे होने चाहिए जिसके वजह से एम्प्लॉय के हेल्थ पे कोई भी परिणाम नहीं हो रहा है। दूसरा है सेफ्टी, आपके यहाँ के वर्किंग कंडीशंस ऐसे होने चाहिए जो एम्प्लॉय के सेफ्टी का ध्यान रखे। और तीसरी बात है उसका वेलफेयर, आपके यहाँ के वर्किंग कंडीशंस में आपको एम्प्लॉय की भलाई के बारे में क्या करना है, सोचना है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो आप लोग क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का भैया वर्किंग कंडीशन सुधारने के, दूसरा लिखने का भैया छोटे बच्चे और महिलाओं के काम के लिए सोचने का है, तीसरा लिखने का कि भैया एनुअल लीव्स विद वेजेस के बारे में क्या करना है, बात करना है, और चौथा लिखना है कि इट इज अ सोशल लेजिस्लेशन विच टॉक्स अबाउट द हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री। ये वाली लाइन आपके आंसर में कंपल्सरीली आनी चाहिए बिकॉज दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिंगिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कौन से मेजर पिलर्स है, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। परफेक्ट, ये हो गया था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। मैम कौन सी एंटिटीज को फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल होगा, ये तो हमको समझ गया मैम कि ये फैक्ट्रीज को अप्लीकेबल है, ये प्रोविजंस का पालन किसको करना है, फैक्ट्रीज को करना है, लेकिन कौन सी फैक्ट्री मैम, कौन सी फैक्ट्री आप पहले ये तो बताइए। बिल्कुल, तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एस्टैब्लिशमेंट्स फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन एम। मैम यहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है क्या, मैं बोलूंगी नहीं जरूरी है, बट अगर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो पेपर में रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट नहीं करना है, बेटर यू डोंट कोट द सेक्शन नंबर, गलत कोट करके पूरे आंसर की बैंड बजाने से अच्छा है हाफ मार्क्स कटे चलेगा, सेक्शन के लिए हाफ मार्क्स होते हैं, अगर वो कटे तो चलेगा, लेकिन रॉन्ग सेक्शन नंबर लिख के पूरे क्वेश्चन की बैंड मत बजाना। एप्लीकेबिलिटी, कौन से एंटिटीज को, कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स को यह फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल है, तो भैया हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि जो भी एंटिटी, जो भी एम्प्लॉयमेंट, जो भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर हो रहा है। मैंने क्या कहा, जो भी एंटिटी, जो भी एम्प्लॉय एंटिटी या जो भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्रीज के डेफिनेशन में कवर हो रहा है उनको फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कहा मैंने, रिपीट विथ मी, जो भी एंटिटी, जो भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर होता है उनको फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है, उनको फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है। सो फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस Including the precincts thereof, मतलब कि surrounding वाला area, मतलब कि surrounding वाला area. Factory means any premises, कोई भी premises रहने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, there is no compulsion कि भैया factory की building ही होनी चाहिए, झोपड़ी की झोपड़ी भी चलेगी अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, any premises and its precinct thereof, मतलब कि उसके आजू बाजू वाला area, where जहाँ पे manufacturing process is carried on और इज बिंग कैरिड ऑन ऑर्डिनरीली, क्या बोला गया है, एक ऐसा प्रीमाइसिस या उसका प्रीसिंट्स, प्रीसिंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। मेरे को बच्चे पूछते हैं कि मैम हमको यहाँ पे अगर हमने सराउंडिंग एरिया लिख दिया आंसर में तो चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। अगर मैं बैंगन की सब्जी को बैंगन का भरता बोलू तो आपको चलेगा क्या, बनते तो दोनों बैंगन से ही है, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बैंगन का भरता अलग है, बैंगन की सब्जी अलग है, तो आपको ये प्रीसिंट्स, ये शब्द ही लिखना पड़ेगा, ये शब्द ही लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट राइट द सराउंडिंग एरिया, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एरिया का जो मतलब होता है ये वाइडर होता है, सराउंडिंग एरिया मतलब कितना एरिया, हो सकता है कि मैं पूरे एरिया, पूरे मोहल्ले को बोल दूं सराउंडिंग एरिया, तो इसीलिए आपको क्या लिखना है, प्रीसिंट्स लिखना है। प्रीसिंट का एक डेफिनेट मतलब होता है कि भैया मेरे बिल्डिंग को लग के जो एरिया है, मेरे बिल्डिंग के डेफिनाइट एरिया में जो सराउंडिंग एरिया आ रहा है उसको अपन क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो आप वर्ड क्या लिखोगे, फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस और प्रीसिंट्स देयर ऑफ, फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस और प्रीसिंट्स देयर ऑफ, जहां पे
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो रही है, कैरी ऑन हो रही है। क्या हो रहा है, वो फैक्ट्री में या वो प्रिसिंक्ट में, वो फैक्ट्री में या वो प्रिसिंक्ट में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है या फिर ऑर्डिनरीली आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाते हो। ये जो ऑर्डिनरीली चलाते हो वाला जो बात है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज सीजनल होती है, जो साल में 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना चलती है। बट भैया वहां पे ऑर्डिनरीली तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन होता है ना। तो ऐसी जगह, ऐसे प्रिमाइसेस, ऐसे प्रिसिंक्ट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब भी चल रहा है या ऑर्डिनरीली चलता है, उसको अपन क्या बोल देंगे, फैक्ट्री बोल देंगे। उसको अपन क्या बोल देंगे, फैक्ट्री बोल देंगे। मतलब ये ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे प्रिमाइसेस, ऐसे प्रिसिंक्ट्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, उनके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब उन एस्टेब्लिशमेंट्स को फैक्ट्रीज एक्ट का क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद में वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और इज बीइंग ऑर्डिनरीली कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो और आपके यहाँ पे 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग एनी डे, वे आर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, आज से पिछले 12 महीनों में, मतलब 12 महीने के एक पीरियड में कभी भी अगर आपके यहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, और आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो आपको क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एनी प्रीमाइसेस और प्रिसिंक्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर, विद द एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड 10 और मोर पर्संस वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स, वहां पे क्या हो जाएगा, आपको फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैम अगर कोई फैक्ट्री है जहां पे लाइट ही नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या उनको फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल होगा। अगर आपके एंटिटी में विदाउट एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और आपके यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ड्यूरिंग एनी डे इन द लास्ट 12 मंथ्स, तो भैया आपको क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पे फैक्ट्रीज एक्ट किन किन को अप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज को अप्लीकेबल है। फैक्ट्रीज का मीनिंग क्या है, एनी प्रीमाइसेस और प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और बीइंग ऑर्डिनरीली कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर, with the aid of power, and there are 10 or more employees during the last 12 months, without the aid of power, there are 20 or more employees working during the last 12 months, तो भैया इनको क्या हो जाएगा, फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर कर लिया जाएगा। और जिस घड़ी, जिस समय आप लोग फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर हो गए हो, आपको फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब इन वाले लोगों में, इन वाले जगहों पे अगर 20 के ऊपर या 10 के ऊपर एम्प्लॉयज हो गए, तब भी ये एस्टेब्लिशमेंट्स को फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। माइंस, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्स और रेलवे रनिंग शेड। रेलवे रनिंग शेड आपको पता है क्या, रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे जाओगे तो देखो झोपड़ी किपड़ी लगी होती है, लोग रहते हैं वहां पे, उसको बोलते हैं रेलवे रनिंग शेड। वहां पे रेलवे रनिंग शेड को, माइंस को, मोबाइल यूनिट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को, इनको कभी भी फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे 10 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो दीज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, एंड एज दे आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, इनको फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए वापस एक बार मेरे साथ फैक्ट्री की डेफिनेशन रिपीट करेंगे, आप लोग फैक्ट्री की डेफिनेशन रिपीट करेंगे। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस और प्रिसिंक्ट्स देयर ऑफ वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और बीइंग ऑर्डिनरीली कैरिड आउट, and with the aid of power 10 or more employees are employed during the last 12 months, without the aid of power 20 or more employees are employed during the last 12 months, but does not include, sabse pehle kya include nahi hota hai, mine include nahi hota hai, mobile unit of the armed forces applicable nahi hota hai, aur teesra ho jata hai railway running shed। in logo mein factory, in logo ko, in organizations ko, in establishments ko factory ke definition mein nahi liya jata hai, aur agar inko factory ke definition mein hum log nahi le rahe hai to inko hum log factories act bhi applicable nahi karwayenge। यस बॉस, यहां तक सबको क्लियर है क्या? आर वी गुड टू गो?
आर वी गुड टू गो फर्दर? फैक्ट्री की डेफिनेशन क्लियर है क्या आप लोगों को? भैया वो एस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्री के डेफिनेशन में कवर होती है उनको फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है? अप्लीकेबल होता है. फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए. और दूसरा, अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होनी चाहिए. बिना इलेक्ट्रिसिटी काम हो रहा है तो 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए. कितने टाइम में होने चाहिए? लास्ट 12 मंथ्स में. जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय आपके ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्रॉस करेंगे, उस घड़ी, उस समय आपको क्या हो जाएगा? फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा. मैम समझ में आ गया कि भैया ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन होता है. लेकिन आप हमें ये तो बताइए, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो भैया आपके और मेरे लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक ही मीनिंग है कि कोई चीज बन रही है. कोई चीज बन रही है मतलब रॉ मटेरियल से आप कोई फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो. आप रॉ मटेरियल से क्या कर रहे हो? फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो. उसको अपन क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कॉस्टिंग में, है आप लोगों को, मुझे पता है प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा है आप लोगों ने. प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल जाता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के ओवरहेड्स होते हैं और एंड में क्या निकलता है? फिनिश्ड गुड्स निकलता है. मतलब अगर आप ऐसी कोई भी प्रोसेस कर रहे हो जिसके वजह से एक नया आइटम उत्पन्न हो रहा है या नया आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये हो गई आम डेफिनेशन जो आपकी है और मेरी है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है नया प्रोडक्ट बनाना या प्रोडक्ट जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी मेजर क्वालिटी में चेंजेस करके ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट बनाना. करेक्ट? इसको अपन क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं आपके और मेरे लैंग्वेज में. लेकिन अपनी तो आम जिंदगी है, फैक्ट्रीज एक्ट वालों के मेंटोस जिंदगी है, इनका डेफिनेशन अलग है. ये क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मींस अ प्रोसेस फॉर मेकिंग, बनाने की, ऑल्ट्रेशन बदलने की, रिपेयरिंग रिपेयर करने की, ऑर्नामेंटिंग उसको बराबर डिजाइनिंग वगैरह करने की, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल. इसको क्या बोला गया है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लिया गया है कि भैया आप अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ले रहे हो और उसको आपको चेंजेस करके आगे जाके बेचने का है या आगे जाके उसका नया आर्टिकल बनाना है, तो ये जो बनाने की प्रोसीजर है इसको अपन काय में ले लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले लेंगे. जैसे आलू से फ्रेंच फ्राइज बनता है तो ये वाले प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? भले फ्रेंच फ्राइज बने आलू से लेकिन आलू की जो प्रॉपर्टीज है वो तो बदल गई ना फ्रेंच फ्राइज में आते आते, तो भैया ये प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे. पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, पेट्रोल पंप वाले जो होते हैं इनको भी अपन काय में कंसिडर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसिडर करते हैं. पंप कर रहे हैं ना वो ऑयल निकाल रहे हैं, अरे भैया आपके इधर जो डालते हैं वो ऑयल डालते हैं वो उसी में आता है. जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर, यस ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके ऊपर केस स्टडीज आए हुए हैं. जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, यहाँ पे ये जो और है इसको और ना कंसिडर करते हुए आपको एंड कंसिडर करना है. मैम वहां पे तो और लिखा है, हाँ वहां पे और लिखा है लेकिन आपको इसको क्या कंसिडर करना है? एंड कंसिडर करना है. मतलब एक ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, सॉरी जनरेशन भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तीनों भी चीजें अगर हो रही होंगी तो उस प्रोसेस को अपन मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे. मतलब आपके यहाँ पे ऐसा प्रीमाइसेस है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ना उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ना उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, सिर्फ जनरेट कर रहे हो, फैक्ट्री नहीं माने जाओगे. सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हो, फैक्ट्री नहीं माने जाओगे. सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फैक्ट्री नहीं माने जाओगे. आपको अगर फैक्ट्री में आना है तो आपको तीनों भी प्रोसीजर साथ में करनी होगी. क्या करना होगा? तीनों भी प्रोसीजर साथ में करनी होगी. फिर उसके बाद में कंपोजिंग टायर्स फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटो ग्रेव और अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग. अगर आप बुक बना रहे हो, फोटो प्रिंटिंग कर रहे हो, ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहे हो, तो ये सारी बातें काय में आ जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाएंगी. कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप्स एंड वेसल. वेसल को अगर आप बिल्ड कर रहे हो, तोड़ रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो, तो वह सारी चीजें काय में आ जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाएगी. प्रिजर्विंग और स्टोरेज, स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज. कोई भी आइटम को अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो उसको बहुत जबरदस्त पैकिंग लगती है, आपको उसको बहुत डेंजर तरीके से पैकिंग करना होता है. तो भैया एक तरीके से वो आर्टिकल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आप बदल रहे हो कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिए. तो अगर आप ऐसी कोई भी हरकत कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो जिसमें आप
कोई भी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करने के लिए और स्टोर करने के लिए उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो उसको अपन काय में ले लेंगे, उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले लेंगे, उसको अपन काय में लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले लेंगे। यस बॉस, फैक्ट्री की डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेफिनेशन, आर वी गुड टू गो, आर वी गुड टू गो। अच्छा हाँ, एक मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दूं कि ये वाला जो लाइन है ना, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स देयर ऑफ, तो भैया इसमें क्या है ना कि अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, और ये उसका सराउंडिंग एरिया है, इसको अपन क्या बोल देंगे, प्रीसिंक्ट्स बोल देंगे, ये हमारा प्रीमाइसेस है और ये क्या है, हमारा प्रीसिंक्ट्स है। तो ये प्रीमाइसेस में क्या हो रहा है, सेल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, सेल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग यहां पे हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग ये प्रीसिंक्ट्स में हो रहा है, तो फैक्ट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री बन जाएगी आपकी प्रीसिंक्ट्स। आपको एक बात ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा एंटायर जो आपका सराउंडिंग एंटायर जो कैंपस है वो फैक्ट्री नहीं बनेगा, फैक्ट्री सिर्फ वो जगह बनेगी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है उसको अपन फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं लाएंगे, उसको अपन फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं लाएंगे। मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के जो प्रोविजन है जिसका पालन फैक्ट्रीज को करना है वो इस एरिया में होंगे, वो इस एरिया में होंगे, इस एरिया पे कोई कंपल्शन नहीं है, ये एरिया में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए फैक्ट्रीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यस, आर वी गुड टू गो अहेड। फैक्ट्री की डेफिनेशन हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हो चुकी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक बार वो देख लेते हैं। फैक्ट्री के डेफिनेशन में ईटिंग प्लेसेस नहीं आएगा, अगर फैक्ट्री के अंदर कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, फैक्ट्री के अंदर कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, यहाँ या कहीं पे बैठ के सिर्फ खाना खा रहे हो, मतलब कैंटीन हो गया, तो कैंटीन वोंट बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री, कैंटीन को फैक्ट्री में नहीं लाएंगे। लेकिन जो आपके होटल्स के किचन होते हैं, आपके जो होटल्स के किचन होते हैं उनको आप फैक्ट्री में कंसीडर करोगे क्या? यस, ईटिंग प्लेसेस आर नॉट कवर्ड, किचन्स ऑफ द होटल्स आर कवर्ड। If the premises of the establishment have electronic data processing unit or computer installed in it, it shall not be construed as factory as unless manufacturing process is being carried out. अगर कोई premises है, अगर कोई premises है, वहाँ पे computers and ये सब कुछ install है, लेकिन वहाँ पे कोई भी manufacturing process नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमने computer रखा है for our administration purpose, तो भैया वो वाली जगह को आप लोग factory consider नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके एक unit में manufacturing process भी चल रहा है, जहाँ पे आपने machine विशीन लगा के रखी है, और वहीं पे अगर computers भी लगाए हुए, तो आप उसको factory consider कर सकते हो। Sugar cane is a seasonal factory and shall remain a factory in off season also. Factory के definition में मैंने आपको starting में बोला था कि manufacturing process is being carried out or ordinarily being carried out. तो sugar cane इंडस्ट्री जो होती है, शुगर कैन फैक्ट्री जो होती है, ये सीजनल फैक्ट्री होती है, बट ऑफ सीजन में भी इसको अपन क्या मानेंगे, फैक्ट्री ही मानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट रेफर टू ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, एनी स्लाइट चेंज इन द प्रोडक्ट शैल ऑल्सो बी कंस्ट्रूड एज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपको ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज कर दिया, तब भी आपके उस प्रोसेस को अपन क्या मान लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मान लेंगे। क्या क्या इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो भैया लॉन्ड्री। मैम लॉन्ड्री क्यों? अरे तुम जितने खराब करते हो ना कपड़े, एम्प्लॉइज जितने खराब कपड़े करते हैं ना, उसको धोने के लिए जो प्रोसेस है, आप भैया एक तरीके से चेंजेस ही कर रहे हो वो कपड़ों में, तो लॉन्ड्री विल बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री। कारपेट बीटिंग, कारपेट बीटिंग मतलब अपने घर में जो गालीचे लगाए होते हैं, गालीचे को साफ करने वाला जो प्रोसेस है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐड कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लैटेक्स इनटू रबर, रबर को बनने के लिए एक लैटेक्स निकलता है, उसका जो कन्वर्जन है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ सी वाटर इनटू सॉल्ट, इसको भी अपन क्या बोलने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलने वाले। ट्रेसिंग और अडैप्टिंग रॉ फिल्म्स, रॉ फिल्म्स को अडैप्ट करना, पहले के जमाने में वो फिल्म आती थी निगेटिव वाली, वो निगेटिव फिल्म को अपन फोटो में या मूवीज में कन्वर्ट करते थे, उसको भी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पैकेजिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल यूनिट, बड़ा सा गुड्स है उसको छोटू 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 इसमें जब आप लोग कट करके पैक करते हो, तो भैया वहां पे भी क्या बोला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बोला जाएगा। मियर पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, आपका जैसा गुड्स है बस उसको पॉलिथिन में डाल रहे हो तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक बड़े से आर्टिकल को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर पैकिंग कर रहे हो, तो वो पैकेजिंग के प्रोसेस को अपन क्या बोलने वाले हैं, उसको अपन बोलने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग।
पैकिंग ऑफ टोबैको इनटू सिगरेट्स, अगरबत्ती फूकते हो ना, हर कोई फूकता है, मेरे को पता है, जितने लड़के देख रहे हैं सब फूकते हैं, मैंने सबको देखा है आके, ठीक है। तो ये जो आप टोबैको से सिगरेट बनाते हो इसको भी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर को जब ब्रेकिंग करने का काम होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं आएगा, आपको ये इंक्लूडिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बिकॉज इसके अंदर आते हैं केस स्टडीज। आज तक इंस्टीट्यूट ने फैक्ट्रीज एक्ट पे अगर क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपकी बैंड बजाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के वो सीधा का सीधा केस स्टडी डाल देंगे, फिर बैठो बम बलते, फिर बैठो बम बलते। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट कोई भी एंड प्रोडक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है। थोड़ा भी अगर आप चेंजेस कर रहे हो, थोड़ा भी अगर स्लाइटली भी चेंज हो रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर, तब भी अपन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। आपके आंसर के अंदर ये वाली लाइन कंपलसरीली आनी चाहिए। उसके बाद में आपको देखना है कि इन सब में इंक्लूड हो रहा है क्या, जो भी केस स्टडी में दिया है, हो रहा है तो भैया फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज देर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड एज देर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपन वो प्रीमाइसेस को क्या कंसीडर कर लेंगे, फैक्ट्री कंसीडर कर लेंगे, फैक्ट्री है तो भैया फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। करेक्ट है बॉस। क्या क्या एक्सक्लूड होता है, मतलब ये चीजें कभी भी आपके फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं आएगी। मियर पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, यहाँ पे अपन ने नेगेटिव फिल्म्स को पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट किया था, मतलब नेगेटिव्स को नेगेटिव्स में से अपन ने मूवी निकाली थी, यहाँ पे अपन सिर्फ मूवी थिएटर में ला रहे। जैसे आज क्या हो गया, आज एनिमल रिलीज हो चुकी है, एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है, दैट इज द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म। तो ये जो रिलीज वाला प्रोसेस है इसको मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने आपको पहले ही बोला, जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन तीनों एक साथ होंगे तभी उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, तभी अपन उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलने वाले। इंपार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अभी मैं जो ये कार्य कर रही हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं आता है, जो टीचिंग वाला प्रोसेस है, एजुकेशन देने वाला प्रोसेस है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। ऑल्दो मेरा जो एंड प्रोडक्ट है, आप लोग जो हो उनमें बहुत बदलाव आने वाले हैं आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम मी, स्टिल इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यस बॉस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डन, उसके बाद में हमारा फैक्ट्री का डेफिनेशन इज डन। Is it clear up to now? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, फटाफट से मेरे को बताओ, फटाफट से मुझे बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करने का है बिल्कुल भी। चलिए मोहित ने क्या बोला है, हेलो मैम आपने जो एथिक्स में पढ़ाया है सेम उसी हिसाब से आंसर लिखे तो चलेगा ना, पूरी बुकिश लैंग्वेज ना लिखे तो चलेगा, पर आप बराबर लिखो। मतलब मैंने एथिक्स के पेपर चेक किए एंड आई रियलाइज कि जब आपको मन से लिखने बोला जाता है तो आप कुछ भी मन से लिख के आते हो, कुछ भी, तो उस तरीके से ना लिखे, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करके लिखे आंसर्स। सिद्धार्थ कह ले, मैडम इज दिस लॉ मैराथन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंपनीज एक्ट इनफ फॉर द डिसंबर एग्जाम? इनफ किस सेंस में बोल रहे हो, मार्क्स के सेंस में बोल रहे हो या फिर पेपर लिखने के सेंस में बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो? चलिए मुझे बताइए फटाफट से, फैक्ट्री की डेफिनेशन हो चुकी है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई है, आर वी गुड टू गो अहेड, आर वी गुड टू गो अहेड, फटाफट से बताओ। फैक्ट्री की डेफिनेशन हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन हो चुकी है, आर वी गुड टू गो अहेड? अरे बताओ ना लायको, तुम्हारे लिए सेशन है, तुम नहीं बताओगे तो मुझे समझेगा कैसे? आई थिंक वी आर गुड टू गो। यस निवेदिता ने बोल दिया, मतलब शी इज द मोस्ट सिंसियर बच्चा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से ये रिविजन सेशन चालू हुए बेचारी बराबर रिप्लाई दे देती है, सब करती है, बाकी नलायक है, सही में नलायक है, एक निवेदिता ही है वो सब बराबर मेरे को बताती है। थैंक यू निवेदिता फॉर द अप्रूवल कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो चुका है, फैक्ट्री हो चुका है, फैक्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा था, फैक्ट्रीज के डेफिनेशन में, फैक्ट्री के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एनी प्रीमाइसेस और प्रिसिंग देयर ऑफ वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर 10 या मोर वर्कर्स आर वर्किंग और विदाउट द एड ऑफ पावर 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग। दैट मीन्स वर्कर्स का फैक्ट्री के अंदर काम करना इज येट अनादर कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया आपके पास में एम्प्लॉय होने चाहिए। अरे भैया वर्किंग कंडीशन आपको एम्प्लॉयज के लिए अच्छे करने हैं तो आपके पास में वर्कर काम तो करना चाहिए, और वर्कर अगर काम कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वर्कर का मतलब क्या होता है।
अब भैया मेरे इधर कोई झाड़ू मारने आ रहा है, सिर्फ झाड़ू मार के जा रहा है, वो भी मेरे लिए वर्कर है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है वो भी मेरे लिए वर्कर है। तो वर्कर की डेफिनेशन बहुत वास्ट है, इसीलिए फैक्ट्रीज एक्ट ने वर्कर की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, जो कि बोलती है वर्कर मीन्स अ पर्सन। पर्सन मतलब आर्टिफिशियल आदमी, आर्टिफिशियल चीज को, रोबोट को आप वर्कर में कंसिडर कर सकते हो क्या? नहीं। पर्सन मतलब, वर्कर मीन्स अ पर्सन, पर्सन मतलब जीता जागता, हंसता खेलता, बोलता नाचता गाता एक आदमी, एक आदमी। वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, जिसको डायरेक्टली मैंने एम्प्लॉय किया है या मैंने किसी एजेंट के थ्रू इसको क्या किया है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्या किया है, एम्प्लॉय किया है। मतलब कोई भी आदमी जो हमारे पास में क्या है, एम्प्लॉयड है। अब उसको मैंने एम्प्लॉय किया है या बाहर से लेकर आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे यहाँ पे उसको क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो बंदा आ रहा है, जो बंदा काम करने के लिए आ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है फैक्ट्री का असली मालिक कौन है। वो आ रहा है काम करने के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं है उस वर्कर को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब जिसके हाथ में मैनेजमेंट कंट्रोल दिया हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट। ये बंदा जो हमारे पास में काम कर रहा है, वो पैसे के लिए भी काम कर सकता है या बिना पैसे भी काम कर सकता है, पैसे के लिए भी काम कर सकता है या बिना पैसे के लिए भी काम कर सकता है। मतलब वर्कर के काम करने के पीछे रेम्यूनरेशन का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। वेदर उसको रेम्यूनरेशन पे हो रहा है या नहीं पे हो रहा है, उसको अपन वर्कर में कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसको एम्प्लॉय कहा किया है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय अस और थ्रू एजेंसी, जो पैसे के लिए या बिना पैसे के लिए काम कर रहा है। बट कहां काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो भैया एम्प्लॉयड, वर्कर मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बात को मेरे बच्चे ध्यान से देखना, वर्कर मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अरे कॉमन सेंस की बात है भैया, फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन अच्छी करनी है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो जो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगा उसके कंडीशंस के लिए अपने को सोचना पड़ेगा। तो वर्कर की सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, एम्प्लॉयड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी। मशीनरी को क्लीन करने के पार्ट में आपने उसको बुलाया, मशीनरी को क्लीन करने के लिए आपने उसको बुलाया है, और प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लीनिंग ऑफ मशीनरी, या तो मशीनरी क्लीन करने के लिए बुलाया या हमारे प्रीमाइसेस को क्लीन करने बुलाया है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करने वाला, दूसरा क्लीनिंग करने वाला, किसकी क्लीनिंग, हमारे मशीनरी की या प्रीमाइसेस की, और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी और काम है, जैसे आपने सीमेंट को वो देखा है क्या, गोल 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 घूमते रहता है, उसके अंदर सीमेंट बनते रहता है, तो भैया वो सीमेंट जो वो वाली प्रोसेस है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन वो इंसान जो ऐसे सर के ऊपर टोपला रख के उसके अंदर पूरी गिट्टी डाल के लाते हैं, वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सब्जेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन वर्कर, उनको वर्कर नहीं बोलोगे, उनको वर्कर बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे। तो मोटा मोटी तौर पे वर्कर की डेफिनेशन क्या है, वर्कर मींस अ पर्सन एम्प्लॉयड, कहां पे एम्प्लॉय कर रहे हैं अपन उसको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्लीनिंग के प्रोसेस में, और एनी प्रोसेस इंसिडेंटल टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, वर्कर को पैसे के लिए ही अगर वो पैसे के लिए काम कर रहा है तभी वो वर्कर कहलाएगा क्या, नहीं। वर्कर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा है, वेदर उसको पैसा मिल रहा है या उसको पैसा नहीं मिल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको अपन वर्कर की कंडीशन में लेकर आएंगे। परफेक्ट है बॉस, वर्कर की डेफिनेशन, इज इट ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं ऑक्यूपायर के बारे में। अब अपन क्या पढ़ते हैं, ऑक्यूपायर के बारे में। आपने यहाँ पे पढ़ा था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यहाँ पे हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तब मैंने आपको बोला था एक ऐसा पर्सन जिसके पास में पूरा मैनेजमेंट दिया हुआ है, हु इज द मेन कर्ता धर्ता ऑफ द फैक्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, से फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेंगे इसकी पार्लेजी की, ये क्या बोलते हैं उसको, पार्लेजी वाले की इंडस्ट्री ले लेंगे, पार्लेजी वाले की कितने सारे फैक्ट्रीज होंगे, पार्लेजी वाले के कितने सारे फैक्ट्री होंगे, एक उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा जिसने ये फैक्ट्री चालू की, हु इज कंट्रोलिंग द फैक्ट्री। लेकिन पार्लेजी वाले ने हर जगह अपना यूनिट सेटअप करके रखा है, अलग अलग जगहों पे उसकी फैक्ट्रीज है। मेरे को बताओ, एक अकेला आदमी हर जगह जाएगा क्या चेक करने के लिए कि वेदर द कंडीशंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट आर फुलफिल्ड और नॉट,
जा पाएगा कि नहीं मेरे को बताओ। एक अकेला आदमी अलग अलग फैक्ट्रीज में ये चेक कर पाएगा क्या कि भैया फैक्ट्रीज एक्ट की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके पास वही काम बचा है क्या, उसके घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो भैया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम हल्का करने के लिए एक होता है ऑक्यूपायर, एक होता है ऑक्यूपायर पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अफेयर्स का जो कंट्रोल है वो ऑक्यूपायर के पास में होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास में पूरे के पूरे जितनी फैक्ट्रीज होंगी उतनी फैक्ट्रीज का कंट्रोल होता है, ऑक्यूपायर के पास में एक ही फैक्ट्री का कंट्रोल होता है। अगर एक आदमी है उसकी एक ही फैक्ट्री है तो वहां पे वही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और वही क्या है ऑक्यूपायर है, वही क्या है ऑक्यूपायर है। हु इज एन ऑक्यूपायर इन द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट, पहले तो हमें यह समझना है कि ऑक्यूपायर होता कौन है। फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स और मेंबर्स, पार्टनर्स वगैरह में से कोई एक वहां पे ध्यान रख सकता है। कंपनी के केस में कोई भी डायरेक्टर आपका ऑक्यूपायर बन सकता है। फैक्ट्रीज ओन्ड कंट्रोल बाय सीजीएसजी और लोकल अथॉरिटी, पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स। आपने अगर वहां के अफेयर्स मैनेज करने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट किया है तो दैट पर्सन विल बिकम द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का सिंपल सा मीनिंग है पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री, पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री, पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री। रिपीट विथ मी, ऑक्यूपायर का मतलब क्या है? पर्सन हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री। शिप विच इज बिंग रिपेयर्ड, रिपेयर जो हो रही है शिप को, जिस शिप को आप रिपेयर कर रहे हो। मैम यहाँ पे शिप रिपेयरिंग का क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बच्चा आपके वो आ गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इसमें आपका आ गया है ना, कंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्टिंग रिपेयरिंग रिफिटिंग फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप द शिप्स एंड वेसल। तो भैया वो शिप जो रिपेयर करवाई जा रही है, द ओनर ऑफ द डॉक और द ओनर ऑफ द शिप कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, जो भी इंसान रिपेयर वर्क कर रहा है, रिपेयर वर्क कैरी ऑन कर रहा है, वो क्या बन जाएगा? ऑक्यूपायर बन जाएगा। ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या है? एंश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। मतलब ऑक्यूपायर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग द एंटायर फैक्ट्रीज एक्ट। हमारा एंटायर फैक्ट्रीज एक्ट किसके बारे में बात करता है? हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो ये ऑक्यूपायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू एंश्योर दैट ये सारे काम हो रहे हैं। नोटिस बाय ऑक्यूपायर किसको देता है? नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर 15 डेज बिफोर ही ऑक्यूपाय द प्रीमाइसेस और द फैक्ट्री। फैक्ट्री में आने के 15 दिन पहले ये चीफ इंस्पेक्टर को डिटेल्स देता है, नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द डिटेल्स ऑफ वर्कर। ये सारी बातें कौन बताता है? ये सारी बातें हमारा ऑक्यूपायर बताता है। किसको बताता है? चीफ इंस्पेक्टर को बताता है। परफेक्ट है बॉस, ऑक्यूपायर समझ में आया आपको कौन है? सिंपल लैंग्वेज में ऑक्यूपायर इज द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री एक फर्म या पार्टनरशिप से चल रही है तो कोई भी एक पार्टनर क्या बन जाएगा? ऑक्यूपायर बन जाएगा। फैक्ट्री एक कंपनी चलाती है तो वन ऑफ द डायरेक्टर विल बिकम द ऑक्यूपायर। और अगर फैक्ट्री इज कंट्रोल बाय सीजीएसजी एलए तो भैया वहां पे जो पर्सन अपॉइंटेड है वो। और अगर शिप की मैं बात करूं जो रिपेयर हो रही है तो जहां पे रिपेयर हो रही है जो रिपेयर कर रहा है वो क्या बन जाएगा? ऑक्यूपायर बन जाएगा। यस बॉस, किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट यहां तक? हम लोगों ने क्या कवर किया अभी तक? अपन ने बेसिक ही कवर किया कि भैया फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है, वर्कर का मीनिंग क्या होता है, ऑक्यूपायर का मीनिंग क्या होता है, यही सारी बातें अपन ने कवर करी। आर वी गुड टू गो अहेड? कम ऑन गाइज, आर वी गुड टू गो अहेड? अब अपने को एकदम ही क्रिटिकल पोर्शन में जंप करने का है, मतलब अपने को फैक्ट्रीज एक्ट के सोल के बारे में पढ़ना है, फैक्ट्रीज एक्ट की आत्मा के बारे में पढ़ना है, विच मीन्स द थ्री पिलर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। द थ्री पिलर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। यस, आर वी गुड टू गो? फटाफट से मुझे बताओ, मजा आ रहा है क्या? दिमाग के अंदर जा रहा है क्या? फटाफट से बताओ मेरे को। परफेक्ट, चलिए बॉस अब अपन सोल के बारे में पढ़ने वाले। मतलब फैक्ट्रीज एक्ट जो पहले दिन से चिल्ला रहा है कि सोशल लेजिस्लेशन फॉर द हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द फैक्ट्री, तो भैया हेल्थ में क्या आएगा, वेलफेयर में क्या आएगा, सेफ्टी में क्या आएगा, ये फैक्ट्रीज एक्ट बताता है। क्योंकि अगर ये काम बिजनेसमैन के ऊपर छोड़ दिया कि भैया वर्क ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज, वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, वर्क ऑन द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर ये सारा काम बिजनेसमैन के हाथ में छोड़ दिया तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा? बिजनेसमैन बोलेगा मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ,
बिजनेसमैन बोलेगा मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, एक बड़ी सी फैक्ट्री में एक पंखा लगा देगा और बोलेगा कि मैं तो वेलफेयर के बारे में सोच रहा हूँ, पंखा लगाया ना मैंने, कौन सा तुमको बिना पंखे के काम करवा रहा हूँ। अरे इतने बड़े फैक्ट्री में एक पंखे में काम होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए फैक्ट्रीज एक्ट ने कुछ कंडीशन रख दी कि भैया हेल्थ के अंदर मिनिमम ये चीजें होनी चाहिए, मैक्सिमम तुम कितना भी करो बिजनेसमैन के ऊपर है कि भैया तेरे को जितने लेवल पे वेलफेयर के काम करना है, हेल्थ के काम करना है तू कर, लेकिन मिनिमम ये चीजें तो होनी चाहिए। मतलब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बादल फट जाए, धरती धस जाए, फैक्ट्री के अंदर मिनिमम ये चीजें तो होनी ही चाहिए फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। परफेक्ट। तो अभी अपन वो तीन पिलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। सबसे पहले अपन हमारे एम्प्लॉयज के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी हेल्थ अच्छी कब रहती है? आपकी हेल्थ अच्छी कब रहती है? अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो सबसे पहले कौन सी बात आपको देखनी पड़ेगी? क्लेनलीनेस। आसपास का एरिया अच्छा है क्या? जिसके ऊपर से इतना अभी अपन ये कर रहे हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, घर से कचरा निकालना क्यों है? ताकि घर क्लीन रहे। घर को क्लीन क्यों रखना है? ताकि मच्छर ना हो, मक्खियां ना हो। क्यों मच्छर और मक्खियों को होने से रोकना है? ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। तो भैया सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय की हेल्थ की बात आ रही है तो सबसे पहले तो भैया फैक्ट्री क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। फैक्ट्री क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। अब फैक्ट्री क्लीन होनी चाहिए का क्या मतलब है? तो भैया यहाँ पे बोलते हैं कि भैया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लुआ। एफ्लुआ का मतलब होता है कि भैया बहुत गंदी सी स्मेल आती है। अगर आप देखोगे that arises from drain and privy। privy का मतलब क्या होता है? Yes, privy का ये मतलब होता है। और drain का मतलब होता है कि अगर कहीं पे एक जगह पे सामान अटक जाए तो पानी जा नहीं पाता, पानी जा नहीं पाता तो एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो पहले तो भैया आपको फैक्ट्री को क्लीन रखना है, साफ सुथरी रखना है, प्लस फ्री फ्रॉम इफ्लुआ मतलब गंदी बदबू से दूर रखना है। गंदी बदबू से क्या करना है? दूर रखना है। रिमूवल ऑफ अक्यूमुलेटेड डर्ट फ्रॉम फ्लोर्स, बेंचेस, स्टेयर्स, पैसेंजर्स एंड देयर इफेक्टिव डिस्पोजल। आपको क्या करना है? जहां पे भी मतलब पैसेज हो गया, जहां पे काम हो रहा है, जो भी कमरे हैं वहां से आपको अगर कचरा जमा हो रहा है तो वो कचरा क्या करवाना है? साफ करवाना है। और उसको सिर्फ साफ नहीं करवाना है, उसको फिकवाना भी है, उसको बाहर फेंक कर भी आना है। क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ एवरी वर्करूम। हर जगह जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ के जो फ्लोर्स है, वहाँ पे जो जमीन है, जो फर्शी है, जो टाइल्स लगे या जो भी नीचे जो भी चीज है, उसको आपको क्या करवाना है? साफ करवाना है। और हर हफ्ते में उसको वॉश करवाना है। साफ करवाना है मतलब झाड़ू लगाना है, और हफ्ते में एक बार उसको क्या करना है? वॉशिंग करना है, मतलब पानी वानी डाल के, डिटर्जेंट विटर्जेंट डाल के आपको उसको क्या करवाना है? साफ करवाना है। प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज फॉर रिमूविंग वाटर। अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, हम लोग फ्रेशन अप होते हैं, तो भैया जहां पे भी पानी का यूज किया जा रहा है वहां से पानी प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए, इसके लिए आपको प्रॉपर कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लीनिंग द इंटीरियर वॉल्स एंड रूफ्स। ये जो अंदर की इंटीरियर वॉल्स है इसको इनको क्या करवाना है? साफ करवाना है। अब इनको साफ करवाना मतलब क्या? तो भैया आपको व्हाइट वॉश या कलर वॉश करवाना है। व्हाइट वॉश का मतलब होता है कि वो व्हाइट कलर का ये होता है, वो उनका एक प्रॉपर लिक्विड होता है विच इज used for washing। मतलब आप पेंट नहीं मार रहे हो, पेंट नहीं मार रहे हो, पर आप अपने जो व्हाइट कलर का पेंट है उसको इस कुछ लिक्विड से वॉश कर रहे हो, जिससे अगर कोई गंदगी होगी। अब लोगों को थूकने की आदत होती है, लोगों को थूकने की आदत होती है, थूक थूक के पूरी दीवार खराब कर दी, साफ तो करवाना पड़ेगा, साफ तो करवाना पड़ेगा। तो वो क्या करवाते? व्हाइट वॉश करवाते। तो वो कब करवाना है? एटलीस्ट वंस इन 14 मंथ्स। एटलीस्ट वंस इन 14 मंथ्स मतलब 14 महीने में एक बार तो आपको व्हाइट वॉश या कलर वॉश करवाना है। पेंटेन एंड वार्निश्ड सर्फिस। जहाँ पे आपने पेंट मारा है या जहाँ पे आपने वार्निश मारा हुआ है वहाँ पे उनको आपको रिपेयर करना पड़ेगा 5 साल में एक बार। रिपेयर करना पड़ेगा 5 साल में एक बार। और अगर वो वॉशेबल होगा, जैसे ऊपर अपन ने व्हाइट वॉश और कलर वॉश देखा, अगर वो वॉशेबल होगा तो 6 महीने के अंदर एक बार क्या करवाना है? उसको वॉश करवाना है। स्मूथ इम्प्रीवियस सर्फेस शुड बी क्लीन वंस इन 14 मंथ्स। अगर कोई चिकनी जगह है, अगर कोई चिकनी जगह है, कोई चिकना सरफेस है, तो वहां पे आपको हर 14 महीने में एक बार उसकी सफाई करवानी होगी। मतलब वो फ्लोर में आएगा ना, तो फ्लोर में आपको झाड़ू पोछा तो करना ही है, लेकिन 14 महीने में एक बार आपको उसका रिपेयरिंग वर्क करना है। वुडन और मेटेलिक डोर विंडोज पेंटेड और वार्निश्ड वंस इन 5 ईयर्स। 5 साल में एक बार जो आपके यहाँ पे दीवारें हैं, जो आपके यहाँ पे दरवाजे हैं, जो आपके यहाँ पे वुडन के विंडोज है, आपको उसको क्या करना है? पेंट करवाना है या वार्निश मारना है। जाहिर सी बात है, नया नया ऐसा लगता है ना, तो 5 साल में एक बार क्या करो आप? उसको वार्निश मारो।
द डेट्स ऑफ द प्रोसेस शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड। यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि व्हाइट वॉश कितने दिन में करवाना है, वंस इन 14 मंथ्स। फिर उसके बाद में आपको वार्निश वाले इसको कब ये करवाना है, रिपेयर करवाना है, 5 साल में एक बार, वॉशेबल होगा तो 6 महीने में एक बार, फिर उसके बाद में स्मूथ सर्फेस है तो 14 महीने में एक बार, वुडन के डोर्स है तो 5 साल में एक बार आपको क्या करना है, वार्निश मारना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज, ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज। Yes. उसके बाद में ये तो हो गया क्लीनलीनेस, क्लीन तो हमने कर लिया, पर क्लीन करने के बाद में आपको डिस्पोजल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो भैया डिस्पोजल के लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल एंड इफ्लुएंस आपको देखना है कि भैया डिस्पोजल प्रॉपर से हो जाए, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर येट अनादर इम्पॉर्टेंट चीज, येट अनादर इम्पॉर्टेंट चीज फॉर फैक्ट्रीज की भैया जहां पे मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां का जो वर्किंग कंडीशन है वो वेल वेंटिलेटेड हो। वेंटिलेटेड हो मतलब प्रॉपर ये होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हवा आनी चाहिए, हवा आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, वो प्रॉपर आना चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी माइल्ड कि भैया लोग वहाँ पे क्या कर सके, काम कर सके। तो अगर आपके वर्कर्स नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, अगर आपके वर्कर्स नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये कर रहे हैं तो एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एट सच टेम्परेचर टू गिव कम्फर्ट टू द वर्कर। एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर सर्क्यूलेशन ऑफ द फ्रेश एयर, फ्रेश एयर क्या होनी चाहिए, सर्क्यूलेट होनी चाहिए, और इस तरीके से कि भैया वो क्या दे दे, हमारे वर्कर को थोड़ा कंफर्ट दे दे। फॉर एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो तो सेपरेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द वर्क रूम बाय इंसुलेटिंग हॉट पार्ट्स और अदर इफेक्टिव मीन्स। अगर एक्सेसिव हाई टेम्परेचर पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो क्या करो, उनका वर्क रूम अलग कर दो और उनको एक जगह थोड़ा सा रेस्टिंग वेस्टिंग के लिए अलग जगह बना दो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक्सेसिव हाई टेम्परेचर में मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कितना भी वेंटिलेशन दोगे आप, तब भी मैं कोई ढंग से काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे को गर्म ही लगेगा। तो भैया वर्क रूम को अलग कर दो, सेपरेशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द वर्क रूम, और हमारा जो वेंटिलेशन वाला एरिया जहां पे बैठ के हमको ये करना है उसको क्या कर दो, अलग कर दो। फिर उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं डस्ट और फ्यूम के बारे में कि भैया अगर डस्ट जनरेट हो रही है, अब जाहिर सी बात है अगर मैं किसी फर्नीचर फैक्ट्री में काम कर रही हूँ जहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनता है या जहाँ पे लकड़ी बनती है, अगर मैं ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे प्लाईवुड वाईवुड बन रहा है, कितना डस्ट आता है, कितना फ्यूम आता है, तो भैया आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट अप्लायंसेज लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपका डस्ट बन रहा है या जहाँ पे भी आपका फ्यूम बन रहा है वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, चिमनी लगानी पड़ेगी। आपको क्या लगानी पड़ेगी, चिमनी लगानी पड़ेगी। इसीलिए देखो हमको बचपन से एक चीज बोली गई है, हम कहीं पे घूमने जा रहे होते हैं या कहीं पे भी जा रहे होते हैं, एक हमें लंबी सी पाइप दिखती है और पाइप के ऊपर से धुआं निकलता है। जब अपन अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि पापा ये धुआं निकल रहा है यहाँ पे शायद आग लग गई है, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आग नहीं लगे वहाँ पे फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री के अंदर चिमनी लगाना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, मतलब एग्जॉस्ट अप्लायंसेस लगाना क्या है, कंपलसरी है। फिर आ जाता है आपका आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि भैया आपके वर्किंग कंडीशन को ह्यूमिड रखने के लिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं ज्यादा गर्म भी नहीं, ह्यूमिड रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको स्पेसिफिकली बोल सकता है, स्पेसिफिकली मेथड्स बता सकता है कि भैया आप ह्यूमिडिटी को क्या करो, मेंटेन करो, और एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए मेथड्स क्या करो, अडैप्ट करो। यहाँ पे एसजी आपको बोलेगा, आपको तो वेंटिलेशन का ध्यान रखना ही है, आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना ही है, लेकिन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन आपको स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में हेल्थ में आगे बढ़ते हैं, ओवरक्राउड येट अनदर इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एक फैक्ट्री के अंदर, एक वर्किंग प्रीमाइसेस के अंदर गर्दी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा लोग आके नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग आके बैठ गए तो भैया सफोकेशन चालू हो जाएगा, एंड अगर सफोकेशन चालू हो गया तो इंसान के मरने के चांसेस भी होते हैं। एज दैट हैपेंड विद सिंगर के, हम सबने वो देखा है कि उनके साथ क्या हुआ था कि ही गॉट, उनको सफोकेशन बहुत हो रहा था, सांस लेने को नहीं आ रहा था, और सफोकेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि गर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी, फ्रेश एयर आ नहीं पा रही थी। तो एक फैक्ट्री के अंदर एटलीस्ट 4.2 क्यूबिक मीटर स्पेस हर वर्कर को मिलनी चाहिए, मतलब एक वर्कर जहां पे काम कर रहा है उसके 4.2 क्यूबिक मीटर्स के एरिया में दूसरा वर्कर नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4.2 क्यूबिक मीटर्स, मैक्सिमम जितना भी चाहिए उतना रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं किसकी, लाइटिंग की। ये क्यूबिक मीटर आपको ध्यान में रखना अगेन जरूरी है विद ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है 14.2 क्यूबिक मीटर्स का, ठीक है, 14.2 क्यूबिक मीटर्स का ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइटिंग के बारे में बात करते हैं कि लाइटिंग के रिलेटेड क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर शुड बी सफिशियंट एंड सूटेबल नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल लाइटिंग।
देयर शुड बी सुटेबल एंड सफिशियंट नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल लाइटिंग. ऐसा नहीं बोला है कि बाहर से ही लाइट आनी चाहिए या सिर्फ हमारी ये जो आर्टिफिशियल लाइट है यही होनी चाहिए. नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल. इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लेज्ड विंडो एंड स्काई लाइट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन. आपने जो इनर और आउटर सर्फेस लगाया, जहाँ पे आपने विंडोज लगाई है, वो भैया वहां से जब लाइट आ रही है तो यह वो लाइट प्रॉपरली आनी चाहिए, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए. प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्लेयर. आंखों पे चमकता है ना कभी कभी, आपने देखा है क्या? आपने बचपन में किया भी होगा कि सनलाइट आती है और हम लोग उसके सामने ग्लास रख देते हैं, तो जब हम लोग ग्लास रख देते हैं तो वो चमकता है. तो भैया अगर फैक्ट्री में ऐसा ग्लास में से लाइट आने की वजह से किसी के आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, वो रिस्क को कम करना है. मतलब ये ग्लेयर का, ये जो चमकने वाला चीज है, इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है. फिर उसके बाद में यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों भी लाइटिंग चाहिए. नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों भी लाइटिंग चाहिए. फिर उसके बाद में आ जाता है आपका ड्रिंकिंग वाटर के बारे में. ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए, सफिशियंट सप्लाई होना चाहिए, एट सूटेबल पॉइंट्स होना चाहिए, कन्वीनियंटली सिचुएटेड. अगर एक फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे इजीली जाके आप पानी पी सकते हो, ऐसी जगहों पे आपको क्या करना है, पानी का सप्लाई करना है. प्रोविजन फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर इफ मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. अगर आपके पास में 250 से ज्यादा वर्कर्स है, तो आपको कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी करनी पड़ेगी. डिस्टेंस ऑफ वाटर पॉइंट, ये भी बोल के रखा हुआ है. डिस्टेंस ऑफ वाटर पॉइंट from any washing place, urinal, latrine, spittoons, open drain carrying sewage 6 meters away. जहाँ पे भी आपका धोने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, यूरिन करने का, लैट्रिन जाने का, जो भी जगह है, वहां से 6 meters की दूरी पे आपको क्या रखना है, पानी का डिस्टेंस रखना है. येट अनदर इंपॉर्टेंट चीज फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. तो ड्रिंकिंग वाटर की इसमें अपन ने क्या चीजें नोटिस की है कि भैया अगर 250 वर्कर्स है हमारे पास में, तो कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हमें करनी है. और अगर हमारे यहाँ पे जो भी ओपन ड्रेन है, वॉशिंग पॉइंट्स है, लैट्रिन्स है, यूरिनल्स है, वहां से 6 meters की दूरी पे आपको क्या रखना है, पानी रखना है. फिर उसके बाद लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए पूरा फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया. तो यहाँ पे बोला गया सफिशियंट एंड एडिक्वेटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड अलॉन्ग विथ ऑल द सैनिटरी कंडीशंस. आपको क्या करना है, जो भी आपका ये यूरिनल्स या लैट्रिन्स बन रहे हैं, ये सफिशियंट होने चाहिए. मतलब जितने एम्प्लॉयज है उनको अकोमोडेट, मतलब जब जब आपको जरूरत पड़ेगी उनके लिए वो सफिशियंट होने चाहिए. उसके बाद में हर प्रिस्क्राइब्ड टाइप के होने चाहिए. और अगर आपके यहाँ पे 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो दे शुड बी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स. मतलब दोनों भी टाइप के, इंडियन और वेस्टर्न दोनों भी टाइप के होने चाहिए. अगेन इंपॉर्टेंट, 250 वर्कर्स है तब आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स के ये रखने हैं, प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स के ये रखने, यूरिनल्स और लैट्रिन्स. फिर उसके बाद में वॉश्ड एंड क्लीन एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डे. 7 दिन में एक बार तो उसको आपको क्या करना है, साफ करना है, धोना है. और कैसे धोना है, डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट से. 7 दिन के अंदर आपको क्या करने का है, धोने का है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया 7 दिन के अंदर हमें क्या करने का है, धोने का है. स्पाइटून्स, स्पाइटून्स का मतलब क्या होता है, थूकने के लिए. लोगों को खर्रा खाने की आदत होती है, बोलो जुबा केसरी बोलने की आदत होती है, अपन सीधा स्पिट कर देते हैं, तो स्पिट करने के लिए बनते हैं स्पिटून्स. तो वो कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, वो भी सफिशियंट होने चाहिए और एट कन्वीनियंट प्लेसेस होने चाहिए कि भैया आजू बाजू में गंदगी मत करो, जहां पे आपको जगह दी गई है वहां पे जाके क्या करो, बोलो जुबा केसरी. तो ये सारी बातें आपको हेल्थ के रिलेटेड क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. ये सारी बातें आपको हेल्थ के रिलेटेड क्या करनी है, ध्यान रखनी है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया कब कब अपने को क्लेनलीनेस करना है, वेंटिलेशन और टेम्परेचर में अपने को कैसा करने का है, फिर उसके बाद में क्राउड में कैसा करना है, मतलब एक इंसान को कितनी जगह मिलनी चाहिए, तो 14.2 क्यूबिक मीटर्स मिलनी चाहिए. लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों. ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर कब चाहिए, जब 250 से ज्यादा के वर्कर्स है. और इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 meters अवे होना चाहिए. लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, 250 से ज्यादा वर्कर्स है तो वो कौन से टाइप के होने चाहिए, जो टाइप आपको प्रिस्क्राइब किया रहेगा वो. स्पिटून्स देना है क्या, यस हमको देना है. सो यस, फर्स्ट वाला पिलर जो हेल्थ के बारे में बात करता है, ये भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. किसी को यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट से मुझे बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हेल्थ के रिलेटेड? जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है, उसको आप प्लीज स्टार मार्क कर देंगे, ताकि एग्जाम के पहले दिन उतने पढ़ के जाओगे, ऑब्जेक्टिव भी अगर आता है तो गलत नहीं करोगे. हम लोग फिर जंप करने वाले हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज दी सेफ्टी.
चलिए फटाफट से। चलिए बॉस, आर वी गुड टू गो? चलिए, भावी ने बोल दिया मैडम एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, आगे बढ़ने का। तो अपन अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी का मतलब क्या होता है रे? सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो काम के दौरान उसके साथ में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। काम करने के दौरान कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या क्या ध्यान में रखने का है? तो भैया आपकी जो मशीनरी है उसके लिए फेंसिंग लगा दो, उसके लिए क्या करो, फेंसिंग लगा दो। फिर उसके बाद में जो भी आपका लिफ्टिंग मशीन चेन्स रोप्स है उसके ऊपर ध्यान दो। प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक राइट वर्क ऑन और नियर मशीन इन मोशन। अगर कोई मोशनिंग मोशन में रहने वाली मशीन है, जो मूविंग मशीन होती है, अगर कोई एम्प्लॉय उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है तो वो बराबर रहे। रिवॉल्विंग मशीन, गोल गोल घूमने वाली मशीन में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका ध्यान आपको रखना है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे लिस्ट है जो काय में आते हैं, सेफ्टी के अंदर आते हैं। काय में आते हैं, सेफ्टी के अंदर आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, प्रोटेक्शन ऑफ द आईज। आपको आंखों का ध्यान रखना है और जो भी न्यू मशीनरी आ रही है उसको आपको केस के अंदर रखने का है। फिर उसके बाद में आपको सेफ्टी ऑफिसर क्या करना है, अपॉइंट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है, जो ध्यान रखेगा कि भैया सेफ्टी के रिलेटेड ये जो चीजें है ना, ये क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। करेक्ट है बॉस, परफेक्ट है। ये सारे आप पढ़ लेंगे एक बार, सेफ्टी ऑन बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, सेल्फ एक्टिंग मशीन अगर खुद से काम करने वाली, ऑटो पायलट मोड वाली अगर कोई है तो उसके केस में। तो ये क्या हो गया, ये हो गई सेफ्टी। ये हो गई सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्रोसेस इन अ फैक्ट्री। अगर एक नॉर्मल फैक्ट्री है जो नॉर्मल प्रोसेस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है जहां पे 1000 DS प्रोसेस है, मैम वहां पे क्या करने का, वहां पे क्या करने का? उसके पहले आप ये समझो कि 1000 DS प्रोसेस क्या होती है। पेपर के अंदर 2 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन 1000 DS प्रोसेस एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो 1000 DS प्रोसेस अपन समझ लेते हैं। 1000 DS प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है ऐसी प्रोसेस जो क्या है, डेंजरस है। ऐसी प्रोसेस जो क्या है, डेंजरस है। अब डेंजरस है इन द सेंस क्या? तो डेंजरस है अपने लिए, सबसे पहली बात तो जो इंसान वहां पे काम कर रहा है उसके लिए डेंजरस है। और दूसरा, ये जब मशीन काम करेगी तो भैया एनवायरनमेंट को भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तभी तो अपन उसको 1000 DS बोलेंगे, तभी तो अपन उसको 1000 DS बोलेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है क्या आपने? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है क्या आपने? वहां पे क्या हुआ था, वहां पे वो एकदम डेंजरस गैस क्या हो गई थी, लीक हो गई थी। मतलब वो डेंजरस गैस के आसपास काम करने वाले लोगों के लिए भी वो 1000 DS प्रोसेस है, और आजू बाजू के एनवायरमेंट के लिए भी क्या है, वो 1000 DS प्रोसेस है। मतलब ऐसे 1000 DS प्रोसेसेस जिनके अंदर ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भैया जो लोग इन्वॉल्व है उनको भी अफेक्ट होगा, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं है मतलब जो एनवायरमेंटल चीज है उनको भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, 1000 DS प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, 1000 DS प्रोसेस। 1000 DS प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल वेर Unless special care is taken, अगर आपने special care नहीं ली, एक ऐसी process जो first schedule में बताई गई है, जहाँ पे अगर आपने special care नहीं ली, तो raw material used, intermediate product और finished product, by product waste और effluents would cause material impairment to the health of the person engaged और रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर आपने स्पेशल केयर नहीं ली, जिसके अंदर अगर आपने स्पेशल केयर नहीं ली, तो भैया उस घड़ी उस समय जो इंसान वहां पे एंगेज्ड है वो उसको मटेरियल इंपेयरमेंट हो सकता है। मटेरियल इंपेयरमेंट, बात समझ में आ रही? भोपाल गैस ट्रेजेडी का जब गैस लीक हुआ था तो लोग अभी तक उसको सफर कर रहे हैं। अभी भी जो बच्चे वहां पे पैदा हो रहे हैं दे आर इंपेयर्ड। मतलब तुम बात समझो, जेनेसिस कितने खराब हो गए वो एक गैस ट्रेजेडी की वजह से, प्लस हमारा एनवायरमेंट कितना अफेक्ट हो गया, हमारा एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि स्पेशल केयर नहीं ली गई थी। क्यों हुआ? क्योंकि स्पेशल
केयर नहीं ली गई थी। अब इसके लिए मैम प्रोविजंस क्या है, आपको हजार्डियस प्रोसेस समझा गया? हजार्डियस प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अगर अपन ने स्पेशल केयर नहीं ली तो उसका जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश्ड गुड्स है या जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है, उसके वजह से जो बंदा इन्वॉल्व्ड है उसको मटेरियल इंपेयरमेंट होगा, या तो मेरे एनवायरमेंट को क्या मिलेगी, एनवायरमेंट में क्या होगा, पोल्यूशन होगा। इसके लिए प्रोविजंस क्या है कि भैया एसडी क्या करेगा, साइट अप्रूवल कमिटी करेगा। मतलब आप जब ऐसी कोई फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन करोगे तो एसजी वो एप्लीकेशन साइट अप्रूवल कमिटी के पास में जाएगा और फिर वो आपको उस लोकेशन के लिए क्या देगा, परमिशन देगा कि भैया अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है या फैक्ट्री एक्सपैंड करनी है जिसके अंदर हजार्डियस प्रोसेस है, तो साइट अप्रूवल कमिटी का जब तक आपको परमिशन नहीं मिलता तब तक आप काम चालू नहीं कर सकते, तब तक आप काम चालू नहीं कर सकते। कमिटी रेकमेंडेशन करेगा एसजी को 90 डेज के अंदर, फिर ही आपको फैक्ट्री आगे बढ़ाने का क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा। उसके बाद में वहां जो ये अपना काम कर रहा है, ऑक्यूपायर जो है वहां का, ऑक्यूपायर मींस हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री, उसकी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर फैक्ट्रीज एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया तो, कि भैया व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर विद रिस्पेक्ट टू हजार्डियस प्रोसेस। तो सबसे पहले उसको हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि भैया एम्प्लॉय पहले से बीमार था क्या, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एम्प्लॉय पहले से बीमार है और गलती से जिस दिन मरा उस दिन फैक्ट्री के अंदर था तो फैक्ट्री पे नाम आ गया कि भैया हजार्डियस प्रोसेस की वजह से मरा। तो बेटर है उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन टू सुपरवाइज द प्रोसेस, जो आपके हजार्डियस प्रोसेस चल रही है उसको देखने के लिए, संभालने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एकदम एक्सपीरियंस पर्सन को आप अपॉइंट करो। ले डाउन डिटेल्ड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड पूरी पॉलिसीज आप एकदम बराबर रखो। डिस्क्लोज ऑल दी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेंजर्स, जितने भी डेंजर है उसकी पूरी की पूरी जानकारी अपने पूरे फैक्ट्री में डाल दो। ड्रॉ अप ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे वर्कआउट करना है इसके लिए एक प्लान ड्रॉ करो। फिर उसके बाद में ले डाउन मेजर्स फॉर हैंडलिंग यूसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, हजार्डियस सब्सटेंस को किस तरीके से हैंडल करना है, रखना है, इन सब के बारे में चीजें बताओ। फिर उसके बाद में सेटअप अ सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी आपको रखना है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर, जितने वर्कर्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको किस में रखना है, सेफ्टी कमिटी में रखना है। इट वॉज ऑल अबाउट सेफ्टी। तो भैया दो तरीके से अपन ने सेफ्टी वाले मैटर को ये किया है, पहले तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन वाली फैक्ट्री, दूसरा क्या हो गया हजार्डियस प्रोसेस वाली। हजार्डियस प्रोसेस वाली में सबसे पहले हजार्डियस की डेफिनेशन अपन ने देख ली, फिर अपन ने देखा है कि भैया लोकेशन के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, ऑक्यूपायर की है। परफेक्ट है बॉस, किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या? फिर हम लोग एकदम तीसरे पिल्लर पे जंप करेंगे, विच इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पिल्लर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, विच इज द वेलफेयर वाला पिल्लर। अभी तक अपन ने देखा था कि अपने एम्प्लॉई के सेफ्टी के लिए, उसके बचाव के लिए आपको चीजें करनी है, उसके पहले देखा था अपन ने कि उसके हेल्थ के रिलेटेड चीजें आपको करनी है, अब अपन देखने वाले हैं क्या, वेलफेयर के रिलेटेड। अब अपन क्या देखने वाले हैं, वेलफेयर के रिलेटेड, कि भैया हमारे भलाई, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी भलाई के लिए आपको कुछ करना है। तो मुझे फटाफट से आप लोग बताएंगे, आर वी गुड टू गो फर्दर, यहां तक किसी को कोई डाउट है हेल्थ के रिलेटेड या सेफ्टी के रिलेटेड? वेलफेयर वाला जो पोर्शन है ये इंस्टीट्यूट का पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसके ऊपर पहले के सिलेबस में, मतलब 2012 का जब सिलेबस था तब दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट द वेलफेयर मेजर्स टू बी टेकन इन द फैक्ट्री विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये 2012 के सिलेबस में दो बार क्वेश्चन आया है, तो इंस्टीट्यूट का पर्सनल फेवरेट है। अगर इंस्टीट्यूट को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने का है और 10 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछना है तो वेलफेयर के ऊपर ये पूछ सकते हैं। आर वी गुड टू गो अहेड? चलिए, सपना ने कहा है मैडम कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ क्लियर है आगे बढ़ने का, तो अपन एकदम जोरदार तरीके से वेलफेयर के बारे में पढ़ने वाले। वेलफेयर का सिंपल सा मतलब है भलाई करना। वेलफेयर का मतलब क्या है, भलाई करना, मतलब यहाँ पे अपन जो कार्य कर रहे हैं वो सामने वाले की भलाई के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामने वाले की भलाई के लिए कर रहे हैं। इससे अपने फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी मदद नहीं होने वाली। मतलब कि अभी जब तक अपन ने सेफ्टी का देखा था, सेफ्टी में क्या हो गया कि अगर आप ये सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो करते थे, गलती से अगर एम्प्लॉय मर जाए, एम्प्लॉय को कुछ हो जाए, तो भैया ये यूनियन वाले आके आपको मार देंगे, पहली बात, तो फैक्ट्री के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा था हेल्थ, अगर हमारा एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तो काम पे कौन आएगा, एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तो काम पे कौन आएगा, और फालतू में अगर एम्प्लॉय ने जाके कहीं पे केस ठोक दिया, वर्कर ने जाके केस ठोक दिया कि सर हमारी फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन ही अच्छे नहीं है, फिर क्या करोगे,
फिर क्या करोगे? तो भैया ये दो चीजों से क्या हो रहा था ना, फैक्ट्री में बचाव करना था, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं कि भैया जो एम्प्लॉई जो वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको अपन एड ऑन बेनिफिट्स दे रहे हैं। उसको अपन क्या कर रहे हैं, एड ऑन बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो कौन से बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले है वॉशिंग फैसिलिटी। वॉशिंग फैसिलिटी मतलब हो सकता है कि भैया वहां पे जो लोग आ रहे हैं, वहां पे जो लोग आ रहे हैं वो आके अपने कपड़े धोते होंगे। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे भैया आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से बहुत आपके जो कपड़े हैं वो खराब होते हैं, तो हो सकता है आपको कपड़े धोने की जरूरत हो। अब हर बार मैं घर पे जाके तो कपड़े धोऊंगी नहीं, घर पे जाके कपड़े धोऊंगी नहीं, तो क्या होता है, बीच का जो ब्रेक है वो टाइम पे भाई मैं बैठ के कपड़े धो लेती मेरे। वाइट पॉसिबल। तो उनके लिए आपको क्या रखना है, सूटेबल और एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। ऐसा नहीं है कि सब साथ में बैठे और साथ में सामूहिक कपड़े धो रहे, ऐसा नहीं। आदमियों को अलग करना है, फीमेल्स को क्या करना है, अलग करना है। इसके पीछे मेरा भी एक लॉजिक है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरतों के साथ में आदमियों को डाल दिया कपड़े धोने के लिए, तो औरतें काम नहीं करेंगी, वो आदमियों को समझाएंगी कपड़े कैसे धोने का है। इसलिए बेटर है औरतों को अलग रखो, आदमियों को अलग रखो, अपने अपने काम खुद करो। सूटेबल एंड एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी, और वो भी क्या होनी चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। फिर उसके बाद में स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स फैसिलिटी, सूटेबल प्लेसेस फॉर क्लिपिंग द क्लोथ्स नॉट वोन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एंड फॉर ड्राइंग द वेट क्लोथ्स। ऊपर आपको क्या बोला है कि हम आपको वॉशिंग की फैसिलिटी देंगे, फिर सुखाने की भी तो फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अरे मैं वॉश करके उधर ही थोड़ी रख दूंगी, मेरे को वॉश करने के बाद में सुखाना भी तो है, वॉश करने के बाद में सुखाना भी तो है। तो भैया सुखाने के लिए अलग जगह दे दो। और जो कपड़े मैं नहीं पहन रही, अब मैं घर से थोड़ी फैक्ट्री के कपड़े पहन के आऊंगी, मेरी मेरी भी कोई पर्सनल जिंदगी है कि नहीं, मैं घर से थोड़ी फैक्ट्री के कपड़े पहनूंगी, फैक्ट्री के कपड़े मैं फैक्ट्री में आके पहनूंगी। तो भैया जो कपड़े मैं फैक्ट्री में नहीं पहन रही हूँ उसको रखने के लिए भी आप क्या दो, हमें जगह दो। सिटिंग फैसिलिटी, बैठने के लिए जगह प्रोवाइड करो। सर जब हम लोग काम नहीं कर रहे, जब हमारे ब्रेक का टाइम चल रहा है, या जब हमको क्या बोलते हैं उसको, अभी काम नहीं करना है, हम थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वो टाइम पे बैठने की जगह दो। सर मैम इधर प्रोवाइड किया ना आपको, इधर प्रोवाइड किया ना हमने आपको, किधर प्रोवाइड किया, इधर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया ना। ओ सर वो काम के टाइम पे वेंटिलेशन प्रोवाइड किया आपने, हम आपको सिटिंग के लिए बोल रहे हैं कि भैया हमको आराम से बैठने का एक जगह, हमको चुगलिया करने की है, हमको चुगलिया करने की, हमको बैठने का है, हमको रिलैक्स करने का है, तो हमको जगह चाहिए। तो भैया सिटिंग फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर उसके बाद में फर्स्ट एड अप्लायंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड अप्लायंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये हेल्थ में आना चाहिए, इन्होंने अब यहाँ ले लिया तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। Provided and maintained so as to readily accessible during the working hours. ऐसी जगह पे रखो कि अगर मुझे छोटू सा कट भी आता है तो मैं फटाक से फर्स्ट एड किट पे एक्सेस कर सकती हूँ, और अगर मेरा हाथ ही कट जाता है तब भी मैं फर्स्ट एड किट तक जा सकती हूँ। ऐसी जगह पे आपको रखना है। वन बॉक्स बिटवीन 150 वर्कर्स, 150 वर्कर के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, किसका, फर्स्ट एड का। ये मेरे को नहीं समझ में आया, 150 लोगों के बीच में एक, अगर 150 के 150 का हाथ कट गया तो क्या करेंगे? ठीक है अब उन्होंने रखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वन बॉक्स बिटवीन 150 वर्कर्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ देर आर मोर देन 500 वर्कर्स, 500 वर्कर के ऊपर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो चुपचाप एक एम्बुलेंस रखने का, चुपचाप एक एम्बुलेंस रखने का कि भैया इमरजेंसी आई तो पटकन किधर जाने का, हॉस्पिटल में जाने का। उसके बाद में आ जाता है कैंटीन। अगर 250 के ऊपर वर्कर है तो आपको कैंटीन क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। आपको कैंटीन क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। 250 वर्कर क्रॉस होने के बाद में और एक चीज करनी थी, आप मुझे बता सकते हैं क्या, 250 वर्कर्स अगर मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मुझे और क्या करना होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या, अगर 250 वर्कर्स मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मुझे और क्या करना होगा, एनीवन? कोल्ड वाटर का स्टोरेज रखना होगा, वेरी गुड, कोल्ड वाटर का स्टोरेज बराबर से रखना होगा। फिर उसके बाद में कैंटीन हो गया, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। अगर 150 वर्कर से ज्यादा है तो आपको एडिक्वेट रेस्ट रूम और लंच रूम क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्रेचेस, क्रेचेस का मतलब क्या होता है, आया, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो आया, अगर मेरे फैक्ट्री में 30 से ज्यादा वुमेन वर्किंग है तो मुझे एक सेपरेट रूम रखना पड़ेगा फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए खेलने विलने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, जगह बना के रखनी पड़ेगी। क्यों, ये माँ छोड़ के कैसे आएगी ना, 5 साल के मतलब 6 साल के नीचे वाले बच्चे को ये माँ कैसे छोड़ के आएंगी। तो आपको क्रेचेस मतलब एक रूम बनानी है, अगर 30 से ज्यादा महिलाएं आपके यहाँ पे काम कर रही है तो आपको एक स्पेशल रूम बना लिए जहाँ पे 6 साल के नीचे के बच्चे खेल सकते हैं। मैम 6 साल के बाद वाले क्यों नहीं, क्योंकि उसके बाद बच्चे को इतनी अक्कल आ जाती है, उसको तुम कहीं और किसी और के पास में छोड़ के आ सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, अगर 500 के ऊपर वर्कर्स एम्प्लॉई है तो आपको वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब 500 के ऊपर अगर एम्प्लॉयज है तो वेलफेयर ऑफिसर और एम्बुलेंस आ जाएगा आपके पास में,
30 के ऊपर वुमेन एम्प्लॉयज है तो क्रेचेस हो जाएंगे, 150 के ऊपर ये काम कर रहे हैं आपके लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनको सेपरेट लंच रूम दोगे, प्लस क्या दोगे, कैंटीन दोगे। और अगर 150 वर्कर्स है तो 150 वर्कर्स के बीच में एक क्या रहने वाला है, आपका फर्स्ट एड किट रहने वाला है। यस बॉस, परफेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? बस लास्ट के टू टॉपिक्स हमारे बचे हुए, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम लोग वर्किंग कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज कितने होने चाहिए इसके बारे में अपन पढ़ने वाले। चलिए, किसी को कोई डाउट? चैतन चैत्या कह रही है कि मैम लॉ में बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं, लॉ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, काय को डराने का है? लॉ ने तुमसे डरना चाहिए, तुम क्यों लॉ से डर रहे हो? अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, रिविजन प्रॉपरली की हुई है, तो काय का डर है तुमको? इतना डरने का नहीं, जिंदगी में चिल मारने का। चलिए, आवी गुड टू गो अहेड फटाफट से। चलिए, we are good to go ahead and now we are going to talk about working hours and holidays for the employee. मतलब employee ने कितने घंटे काम करना है और employee को कितना, sorry worker ने कितने घंटे काम करना है और worker को कितनी छुट्टियां मिलेगी, worker ने कितने घंटे काम करना है और worker को कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ये बातें अपने को अभी पढ़नी है। तो भैया अपन बात करेंगे सबसे पहले adult worker के बारे में। अडल्ट वर्कर के बारे में, अडल्ट वर्कर कौन होता है? Who has completed 18 years of age? Who has completed 18 years of age? 18 साल complete हो गए मतलब आप क्या हो? Adult हो। Weekly working hours max 48 hours, max 48 hours, max मतलब 6 hours in a day। अगर 6 दिन का working है तो 6 hours in a day, और अगर 7 days working तो allowed ही नहीं है, 5 days working है तो 7 hours a day, मतलब 8 hours a day, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो भैया max आपको 48 hours क्या करना है, work करना है, 15 minute ऊपर नीचे चलेगा, 15 minute ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 48 hours max होने चाहिए। Daily working hours कितने होने चाहिए? Maximum 9 hours। Daily working hours कितने होने चाहिए? Maximum 9 hours। यहाँ पे consider हो रहा है कि भैया आपका जो ये है फैक्ट्री है, ये 5 डेज वर्किंग है, 5 डेज वर्किंग है तो मैक्सिमम आप 9 आवर्स काम करा सकते हो अपने एम्प्लॉई से। फिर मैम 3 घंटे बचते हैं उसका क्या? तो ठीक है, वो 3 घंटे अपन आगे पीछे कभी तो एडजस्ट कर लेंगे, 9 आवर्स पर डे। और वीकली कितना? मैक्सिमम 48 आवर्स मैक्सिमम, और वैसे भी मैक्सिमम 48 है, मिनिमम 48 नहीं है, मैक्सिमम 48 है। अगर 9 आवर्स इन अ डे इनटू 5 डेज 45 आवर्स हो रहे तो भी चलेगा, 3 आवर का बफर पीरियड है, आप वो उनसे कभी भी ले सकते हो, वो 3 घंटा वोंट बी ओवरटाइम, परफेक्ट। Continue period of 5 hours following a break of half hour. कैसे ये कैसे bifurcate होने वाला है? 9 घंटे जो आपको काम करना है उसमें 5 घंटा compulsory आपको काम करना है, फिर आधे घंटे का break आपको लेना है, फिर वापस 5 घंटे आपको क्या करना है? काम करना है। Total period inclusive the break should be maximum 10.5 hours. Maximum should be 10.5 hours including the break. Including the break. वीकली आवर कब रहेगा? फर्स्ट डे ऑफ द वीक मतलब कि संडे। वैसे तो संडे को ही देना है, लेकिन अगर संडे को नहीं दिया तो 3 दिन पहले या संडे के बाद में, संडे को ही छुट्टी मिलेगी, लेकिन अगर संडे को छुट्टी नहीं दिया तो संडे से 3 दिन बाद में या संडे से 3 दिन पहले, मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बोलूं तो आपको वेडनेसडे को या थर्सडे को इनको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। वीक में कभी भी छुट्टी दो, ये प्रोविजन का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि भैया छुट्टी चाहिए फिर तुम कभी भी दो। संडे को दिया तो भी चलता, संडे को नहीं दिया तो 3 डेज इमीडिएटली और आफ्टर। मैनेजर शुड डिलीवर अ नोटिस टू द इंस्पेक्टर एंड डिस्प्ले द नोटिस इन द फैक्ट्री कि भैया हमारा कौन से दिन पे हमको छुट्टी मिलने वाली है। कंपेंसेटरी हॉलीडे विद इन 2 मंथ्स फॉलोइंग द मंथ वेयर द वर्कर डिप्राइव्ड फ्रॉम वीकली हॉलीडे। अगर आपसे वीकली हॉलीडे छीन लिया, किसी मंथ में काम बहुत था,
किसी मंथ में बहुत काम था भैया, छुट्टी नहीं दे सक रहे थे हम लोग। अब जैसे दिवाली के पहले जो हमारे फटाके वाली फैक्ट्री होती है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि बहुत प्रोडक्शन करना होता है, तो उस टाइम पे इनको वीकली हॉलीडे नहीं मिलता। तो तब अगर वीकली हॉलीडे नहीं मिल रहा है तो अगले 2 महीने के अंदर आपको क्या देना है, वीकली हॉलीडे देना है। जो 1 दिन का वीकली हॉलीडे या 2 दिन का वीकली हॉलीडे आपने सामने वाले से छीन लिया था, वो आपको अगले 2 महीने में क्या करना है, देना है। इफ द शिप शिफ्ट ड्यूटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिडनाइट, अगर आपकी शिफ्ट की ड्यूटी 12 के बाद में जा रही है तो एग्जैक्ट 24 आवर्स का आपको क्या मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए फ्रॉम द शिफ्ट एंड। अगर मेरी शिफ्ट रात को 2 बजे खत्म हो रही है तो अगले दिन रात को 2 बजे तक मेरे को छुट्टी मिलनी चाहिए। फिर बात करते हैं ओवर टाइम की। अगर वर्कर 9 घंटे से ज्यादा या 48 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या मिलने वाला है, ओवर टाइम मिलने वाला है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी वेजेस, तो बेसिक वेजेस प्लस अलाउंसेस इंक्लूडिंग द कैश इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंसेशनल सेल ऑफ फूड माइनस बोनस और ओवर टाइम। जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसा जो खाने पीने का जो पैसा रियम्बर्स होके मिल रहा है प्लस जो वेजेस मिल रहे हैं उसमें से बोनस और ओवर टाइम को माइनस करने के बाद में जो भी वेजेस आएगा दैट विल बी द ऑर्डिनरी वेजेस, और ओवर टाइम के लिए आपको ये ऑर्डिनरी वेजेस का डबल देना है। अगर पीस रेटेड वर्कर है तो इनके लिए जो टाइम रेट है जिस दिन इन्होंने एक्चुअल वर्क किया उसका जो टाइम रेट है दैट विल बिकम द ऑर्डिनरी वेजेस, और उसका डबल आपको देना है एज अ ओवरटाइम। इनका आपको रजिस्टर मेंटेन करने का है जिसके अंदर नाम, नेचर, ग्रुप और शिफ्ट में अगर काम कर रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है। बात समझ में आई? अडल्ट वर्कर के लिए जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कंडीशन है, समझ में आया क्या? वीकली कितना काम करना है, मैक्सिमम 48 आवर्स। डेली कितना काम करना है, 9 घंटा। ब्रेक कितने इसका मिलेगा, आधे घंटे का। कंटिन्यू 5 घंटा काम करने के बाद में आपको आधे घंटे का क्या मिलने वाला है, ब्रेक मिलने वाला है। वीकली हॉलीडे कब मिलेगा, संडे को ही मिलेगा, लेकिन अगर संडे को नहीं मिल रहा है तो दूसरे दिन भी मिल सकता है। किसी मंथ में अगर आपसे आपका वीकली हॉलीडे छीन लिया गया है तो कंपेंसेटरी हॉलीडे कितने दिन में मिलेगा, 2 महीने के अंदर अंदर। शिफ्ट अगर मिडनाइट के बियॉन्ड जा रही है तो भैया 24 घंटे के अंदर अंदर आप 24 घंटे की आपको क्या मिलने वाली है, छुट्टी मिलने वाली है। ओवर टाइम अगर 9 घंटे से ऊपर और 48 आवर्स से ऊपर आपने काम कर लिया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा विच इज द डबल ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस। ऑर्डिनरी वेजेस का मतलब क्या है, बेसिक वेजेस प्लस अलाउंसेस माइनस कैश इक्विवेलेंट ऑफ द फूड, सॉरी प्लस कैश इक्विवेलेंट ऑफ द फूड माइनस आपको बोनस और ओवरटाइम क्या करना है, अलाउ करना है। ये चीज ध्यान में रखना है, बोनस और ओवरटाइम को माइनस करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर क्या करना है, मेंटेन करना है। यस, इज इट ओके? अब ये अडल्ट वर्कर मेल है, ये अडल्ट वर्कर कौन है, मेल है। अब अडल्ट वर्कर फीमेल की बात कर रहे हैं अपन, अब अडल्ट वर्कर फीमेल की बात कर रहे हैं अपन, तो भैया इनके भी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने रहने वाले हैं, 9 आवर रहने वाले हैं। इनका टाइमिंग क्या रहने वाला है, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे टाइमिंग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इनको तुम कभी भी बुला सकते हो 9 घंटे काम करने के लिए, इनको रात में भी बुला सकते हो, दिन में भी बुला सकते हो, कभी भी बुला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर लेडीज है तो लेडीज को आप कोई भी टाइम में बुला सकते हो, 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप कभी भी इनको काम करने के लिए बुला सकते हो। लेकिन 6 बजे के पहले और 7 बजे के बाद ये काम नहीं करेंगे, वेदर ओवर टाइम इज गिवन और नॉट फर्क नहीं पड़ता, 6 बजे के पहले और 7 बजे के बाद बेसिकली सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में ये काम नहीं कर सकते, सनसेट के पहले और सनसेट के बाद ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द रेप केसेस द हरासमेंट केसेस वेर इंक्रीजिंग डे बाई डे ऑफ द वुमेन वर्कर्स, इसीलिए ये टाइमिंग क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट आफ्टर अ वीकली हॉलीडे और अदर हॉलीडे, आपके शिफ्ट में चेंजेस नहीं होगा, मतलब दिन की ही शिफ्ट रहेगी आपकी, आपका जो टाइमिंग है वो कन्फर्म रहेगा, लेकिन अगर वीकली हॉलीडे के बाद में उनको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं वंस इन अ वाइल, करेक्ट। अब अपन ने वुमेन अडल्ट वर्कर के बारे में पढ़ा, अब अपन यंग वर्कर के बारे में बात करेंगे। अपन किसके बारे में बात करेंगे, यंग वर्कर के बारे में। यंग मतलब छोटे बच्चे, यंग मतलब छोटे बच्चे, तो अपन एडोलेसेंट की बात करने वाले। अपन क्या करने वाले, एडोलेसेंट की बात करने वाले हैं, 15 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक। 18 के बाद में आप क्या हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे। 18 के पहले आप क्या हो जाओगे, एडोलेसेंट हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल के नीचे के बच्चे वैसे भी काम नहीं कर सकते, 14 साल के नीचे के बच्चे वैसे भी काम नहीं कर सकते। तो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द फैक्ट्री। चिल्ड्रन अबव 14 ईयर्स ऑफ एज और एडोलेसेंट, मतलब एडोलेसेंट का मतलब होता है 15 से 18 साल वाले, लेकिन 14 से 15 साल वाले जो बच्चे जिनका 14 साल कंप्लीट हो चुका है, 14 साल कंप्लीट होने के बाद में 15th ईयर में अगर वो है, तो ऐसे बच्चे प्लस 15 के आगे 18 तक, तो बेसिकली 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए आप उनको काम तभी अलाउ करोगे जब उनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा।
जब उनके पास में क्या होगा, एक सर्टिफिकेट होगा जो उनके फिटनेस को क्या कर रहा है, गारंटी कर रहा है कि भैया ये बंदा आपके यहाँ पे काम कर सकता है, ये बंदा आपके यहाँ पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तभी आप उनको क्या दोगे, तभी आप उनको क्या दोगे, जॉब दोगे, तभी आप उनको क्या दोगे, जॉब दोगे। वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम 4.5 आवर्स इन डे और नाइट। पीरियड ऑफ वर्क शैल बी लिमिटेड टू 2 शिफ्ट, मैक्सिमम 4.5 घंटे ये एक शिफ्ट में काम करेंगे। मतलब जैसे अपने इधर क्या था, ये एक शिफ्ट 9 घंटे की थी, ये एक शिफ्ट 9 घंटे की थी, इनकी 4.5 घंटे की है। मतलब इनसे आप और एक शिफ्ट, मतलब 2 शिफ्ट तक काम कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम इनसे भी आप 9 आवर्स काम करवा सकते हो, 9 आवर्स काम करवा सकते हो। फीमेल चाइल्ड अगर है आपकी, फीमेल एडोलेसेंट या फीमेल चाइल्ड है, तो ये 8 से 7 के बीच में ही काम करेगी, मतलब 8 बजे के पहले, सुबह के 8 बजे के पहले और शाम के 7 बजे के बाद में ये काम नहीं करेगी। इनका भी आपको रजिस्टर रखना है, जिसमें आपको नंबर रखना है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में बताना है, नेचर बताना है, ग्रुप बताना है, वेयर हिज ग्रुप वर्क्स ऑन शिफ्ट, तो रिले के बारे में भी आपको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, परफेक्ट, परफेक्ट, यहां तक हो गया। अब कुछ बातें जो हमें समझने की है, अब कुछ बातें हैं जो हमें समझ के लेने की है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी अभी आपने पढ़ा था कि ये जो यंग चिल्ड्रन है, ये जो यंग बच्चे हैं जो काम करने वाले 14 साल से लेकर 18 साल तक, इनसे आप कब काम करवा सकते हो, जब इनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, जब इनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता कौन है, सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता कौन है, सर्टिफाइंग सर्जन। अच्छा, कैसे देता है मैम, उनके लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कौन करेगा, वो इंसान जो जॉब करने के लिए आ रहा है, या मैनेजर, कोई भी क्या कर सकता है, सर्टिफाइंग सर्जन को क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। सर्टिफाइंग सर्जन पहले तो आपको एग्जामिनेशन करेगा और फिर आपको ग्रांट करेगा, या आपका अगर पहले कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको रिन्यू करेगा। ये सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड है, 12 मंथ्स के लिए। ऑब्जेक्टिव फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता ही है इंस्टीट्यूट कि भैया बताओ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कितने दिन के लिए वैलिड रहता। मैंने भी पूछा था मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे लिखते हैं टेस्ट सीरीज वाले, मैडम अनलिमिटेड सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को काय को चेक करना है, मैम एक बार जो हम फिट है हम फिट ही है। क्यों भैया, तुम्हारी तबियत खराब नहीं हो सकती, लिखा है मेरे जो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं जिनके पेपर मैंने चेक किए हैं, इनको मैंने क्वेश्चन डाला था कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज वैलिड फॉर डैश मंथ्स, ये लिखते मैम अनलिमिटेड मंथ्स। मैंने कहा वाह, मतलब कहां से लाते हो ऐसा दिमाग। तो अपने को ध्यान में रखना है दैट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद में फिर से आपको सर्टिफाइंग सर्जन के पास में जाना है, अपना चेकअप कराना है, फिर वो आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट रिन्यू करके देगा, फिर वो क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करके देगा। इट कैनॉट बी रिवोक्ड इफ होल्डर इज नो लॉन्गर फिट टू वर्क, अगर जो सर्टिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जिसके पास में है, अगर गलती से वो आदमी बीमार पड़ जाता है या ही इज नॉट फिट टू वर्क अगेन, तो भैया वो सर्टिफिकेट रिवोक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है जो आपको ये दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ये होता कौन है, हु इज अ सर्टिफाइंग सर्जन, हु इज अ सर्टिफाइंग सर्जन। तो भैया हमारा सर्टिफाइंग सर्जन इज नो वन बट अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कौन होता है ये, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट इज रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, ईच स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट है वो रूल करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट को। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में जहाँ पे भी गवर्नमेंट की बात होगी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद में हमारे ये सर्टिफाइंग सर्जन की ड्यूटी क्या है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन करना और सर्टिफिकेशन देना। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द फैक्ट्री इन प्रिस्क्राइब्ड डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस, हजार्डियस प्रोसेस वाले को ये करना। एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल सुपरविजन फॉर एनी फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में अगर उसको रखा है तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल सुपरविजन देखना है, जहाँ पे इलनेस हो रही है ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे आपको लोगों का क्या करना है, ध्यान रखना है। परफेक्ट है बॉस, किसी को कोई डाउट, सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज अ सर्टिफाइंग सर्जन और व्हाट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, हो सकता है पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट है भाई, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। फिर अपन बात करेंगे किसकी, इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर मतलब कौन, नाम से समझ में आता है मैम, ऐसा इंस्पेक्टर जो क्या करेगा, फैक्ट्री बराबर से चल रही है यानी प्रोसेस बराबर से हो रही है यानी फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो हो रहा है यानी गवर्नमेंट के साइड से एक बंदा आएगा चेक करने के लिए कि भैया आप अपने इधर बराबर सब चीजें कर रहे हो या नहीं। ऑक्यूपायर कौन है, जो इंटरनली चेक करता है, इंस्पेक्टर कौन है, जो एक्सटर्नल है। तो भैया इंस्पेक्टर एसजी में appoint such person as possesses the prescribed qualification of inspector for the purpose of this act and may assign them such local limits as they may think fit. अब इनके powers क्या होते हैं? Very very important question with respect to your exam point of view. Direct question आ सकता है, what are the powers of the inspector?
इनअ फैक्ट्रीज एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इनके पास में पावर क्या है, एंटर इनटू एनी प्लेस जो फैक्ट्री बोल के है वहां पे एंटर करने का है, मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, इंक्वायर इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत गंदा चीज हो चुकी है वहां पे, तो भैया वहां पे जाके चेक करो कि हुआ क्या एग्जैक्टली, आप उसका इंक्वायरी कर सकते हो। रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्री के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो, उसकी कॉपी ले सकते हो। टेक द पोजीशन ऑफ एनी आर्टिकल सब्सटेंस एंड डिटेन देम, कोई आपको लग रहा है कि भैया कोई चीज इज वेरी हजार्डियस, वेरी हार्मफुल, जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेके जाओ और अपने पास रख लो। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सच पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एक इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखने का कि आप फैक्ट्री के अंदर जा सकते हो, फैक्ट्री का एग्जामिनेशन कर सकते हो, किसी एक्सीडेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रख सकते हो, किसी आर्टिकल को अपने पास में रख सकते हो। ये हो गया हमारा इंस्पेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एनुअल लीव्स, दैट इज द एनुअल लीव्स। अगर वर्कर ने 240 दिन या उससे ज्यादा काम किया है, इफ द वर्कर हैज वर्क्ड फॉर 240 डेज और मोर, तो अगर वो वर्कर अडल्ट है तो उसको हर 20 दिन के लिए एक छुट्टी मिलेगी। मतलब 240 डेज के लिए कितनी छुट्टी मिलेंगी, 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। और अगर वो बच्चा है तो 1 डे फॉर एवरी 15 डेज, अगर बच्चा है तो हर 15 दिन के लिए उसको एक छुट्टी मिलेगी। अडल्ट है तो 20 दिन के लिए एक, और अगर बच्चा है तो 15 दिन के लिए। फॉलोइंग डेज शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वर्क्ड, इन डेज पे भले ही वो छुट्टी पे है, स्टिल माना जाएगा कि वो काम कर रहा है, और वो जो 240 डेज है ना जिसपे वो वर्क करने वाला है, उसपे उसको क्या करेंगे, अपन काउंट करेंगे। एनी डेज ऑफ ले ऑफ, कि भैया वर्कर आना चाहता था लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको बोला कि तू छुट्टी ले ले करके। फीमेल वर्कर के लिए मैटरनिटी लीव्स नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स, 12 हफ्ते के ऊपर अगर हो रहा है तो उसको आप 240 डेज में नहीं लाओगे। 12 वीक्स के अंदर है तो वो 240 डेज में काउंट हो जाएगा कि भैया इन हफ्तों में उसने काम किया है। लीव अर्नड इन द ईयर प्रायर टू दैट ईयर इन विच द लीव वॉज एंजॉयड, मतलब 240 डेज पहले। अब ऑब्वियसली पिछले साल क्या हुआ, मैंने 240 दिन काम किया, तो इस साल मेरे को क्या मिल गया, 12 दिन की छुट्टी मिल गई। तो ये जो इस साल के 12 दिन है, तब आप एक्सपेक्टेड काम कर रहे हो, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जाएगा। फिर आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव, अगर आपको लीव्स मिली थी, ये 12 दिन की लीव्स मिली थी, आपने वो नहीं किया था, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सक्सीडिंग ईयर में। मैक्सिमम 30 डेज फॉर अ अडल्ट, और चाइल्ड के लिए हो जाएगा मैक्सिमम 40 डेज। इतने ही दिन की आप लीव्स क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बची हुई लीव्स आपकी लैप्स हो जाएगी या एनकैश हो जाएंगी, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पे। अवेलिंग ऑफ लीव्स, अगर आपको ये 12 दिन की और ऐसी लीव्स अगर अवेल करना है, तो 15 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा, और अगर आपकी फैक्ट्री पब्लिक यूटिलिटी में काम कर रही है तो 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। वेजेस इन लीव पीरियड, डेली एवरेज वेजेस रहेगा, प्लस उसमें डीए आ जाएगा, प्लस कैश इक्विवेलेंट मनी माइनस बोनस एंड ओवरटाइम। एडवांस पेमेंट मिलेगा क्या, 4 दिन पहले मिल जाएगा, 4 दिन पहले आपको एडवांस पेमेंट मिल जाएगा। एनकैशमेंट कर सकते हैं क्या, अगर कोई वर्कर डिस्चार्ज, डिसमिस, क्विट, सुपर एन्यूएटेड इन द कोर्स ऑफ कैलेंडर ईयर, ही और हिज हेयर नॉमिनी शैल बी एंटाइटल्ड फॉर वेजेस इन लियू ऑफ द अनअवेल्ड लीव्स, अगर आपके लीव्स है तो आपको उसके लिए क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। पैसा कब मिलेगा, अगर वो एम्प्लॉय जिंदा है, वो डिस्चार्ज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है या क्विट हो चुका है, तो सेकेंड वर्किंग डे में आपको क्या देना है, वो पैसा वापस करना है। अगर वो सुपर एन्यूएट या मर जाता है, तो 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच सुपर एन्यूएशन आपको क्या करना है, लीव्स का पैसा क्या करना है, एनकैश करके उसको देना है। और इसी के साथ हमारा फैक्ट्रीज एक्ट खत्म हो जाता है, इसी के साथ हमारा फैक्ट्रीज एक्ट खत्म हो जाता है। यस, वी हैव डन द रिविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। किसी को कोई डाउट? पंकज जी कह रहे हैं कि व्हाई आर यू सो अंडररेटेड, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू सो मच। यस, वी आर डन विद द रिविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट यहां तक? परफेक्ट, चलिए फटाफट से पानी वानी पी लीजिए। 1.5 घंटा हमारा हो चुका है, फैक्ट्रीज एक्ट ने 1.5 घंटा ले लिया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी को अनादर 1.5 घंटा लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ईपीएफ खत्म कर देते,
है ना, ईपीएफ बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब इतना प्यारा है, 2 पेजेस में पूरा ईपीएफ कवर हो चुका है। ये वाले नोट्स में 2 पेजेस में पूरा ईपीएफ कवर हो चुका है। मैम नोट्स कहाँ से मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है गूगल ड्राइव की, गूगल ड्राइव पे क्लिक करने का, एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन सीरीज नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर यूनिट 3 का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी नोट्स आपको इंडस्ट्रियल लॉ की मिल जाएगी। तो अब हम लोग 2 सेकंड का या 2 मिनट का पानी वानी पीने का ब्रेक ले लेते हैं और हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। क्या चालू करने वाले हैं हम लोग? ईपीएफ एक्ट। फटाफट से ब्रेक ले लो 2 मिनट का सिर्फ, मतलब चालू रखो, पानी वानी पी लो, फिर हम लोग ईपीएफ एक्ट क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ईपीएफ एक्ट। यस बॉस, हो गया आप लोगों का ब्रेक, पानी वानी पी लिया आप लोगों ने, कैसा लगा फैक्ट्रीज एक्ट का इतना धुआंधार हम लोगों ने सेशन लिया, इतना हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया, पूरा 1.5 घंटे में फैक्ट्रीज एक्ट कवर हो गया। मेरे रेगुलर लेक्चर्स में कुछ आई थिंक 6 लेक्चर्स हुए थे फैक्ट्रीज एक्ट के। तो कैसा लगा आपको, रिवाइज हुआ अच्छे से, दिमाग के अंदर बैठ गया और मजा आ रहा है क्या रिवाइज करने में? आर यू गाइज एंजॉइंग द रिविजन सेशन? फटाफट से मुझे बता दीजिए। बताइए बताइए, मजा आ रहा है क्या? सब लोग बोलेंगे, जितने देख रहे हैं ना, सबके सब बताएंगे कि भैया मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे सब लोग बोलो ना, क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को? बाकी सब लोग किधर गायब हो गए?
सिर्फ पानी पीने का ब्रेक दिया था मैंने, नाश्ता करने बैठ गए हो क्या आप लोग? बोलना ही नहीं है, आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझेगा कैसे कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो आप लोगों को मुझे बताना ही होगा कि मैम मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अकेले निवेदिता है बेचारी, लगता है सिर्फ निवेदिता को ही मजा आ रहा है, बाकी लोगों को मजा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। मैं ये मान के चल रही हूँ, थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, कि मजा आ रहा है। और अब हम लोग अगले आधे घंटे में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका दूसरा टॉपिक, विच इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये वाला एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में हुआ था, बट इसका जो जन्म है ना, मैंने मतलब मेरे रेगुलर क्लास में इसकी हिस्ट्री डिस्कस की है, तो ये भैया बहुत पहले से ही चलते आ रहा था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये एक्ट बनाने के पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये था पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये था कि भैया लोगों ने पैसा क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। लोगों ने पैसा क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। अब ये लोगों में पहले के जमाने में कौन से लोग आते थे? जिनकी सैलरी कम थी, जिनकी सैलरी कम थी। अब भैया सैलरी कम है तो मैम सेविंग कैसे करेंगे? वही तो मेन मुद्दा था ना भैया, जिनकी ज्यादा सैलरी है, अगर कल को उठ के उनके पास में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या उनको पैसे की जरूरत है, तो भैया ज्यादा सैलरी होने की वजह से उनके पास में पैसा है। लेकिन ये जो नीचे के लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग जिनको हम बोलते हैं, मिडिल क्लास लोग या लोअर क्लास लोग जिनको हम बोलते हैं, जिनकी सैलरीज कम थी, बेचारों के पास में जब जरूरत रहती थी, जब प्रॉब्लम्स आती थी, जब जरूरत होती थी, तब इनके पास में पैसे ही नहीं रहते थे। जाहिर सी बात है, तो भैया इनके पास में वो प्रॉब्लम्स के टाइम पे पैसा होना चाहिए, इसीलिए इनको पहले से ही क्या बोला जाता था कि तुम क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, तुम क्या करो, पैसा क्या करो, सेव करो। तो आज के भी तारीख में आप देखोगे लोग बोलते हैं पीएफ का पैसा है, लोग बोलते हैं पीएफ कट गया है, ये जो है ना वो तब से चला आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है। इट इज एप्लीकेबल नाउ ऑल्सो कि भैया आपके सैलरी में से कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी अनसेट तरीके से क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले, क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वही बात है, तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग तीन स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहली स्कीम है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसका मेन उद्देश्य है कि भैया लोगों ने क्या करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, लोगों ने क्या करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, दूसरा क्या है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, कि भैया रिटायरमेंट के बाद में या तुम्हारे मरने के बाद में, तुम्हारी विडो को या तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद में तुमको एक पैसा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पास में काम किया, क्यों? क्योंकि यू वर इन टू वर्किंग फेज। अब जाहिर सी बात है 60 की उम्र के बाद में कोई इंसान काम नहीं कर सकता, काम कर सकते हैं बट नहीं बोला जाता है, बिकॉज वो एक एज होती है जिसके बाद में काम करने का जो पावर है वो कम हो जाता है, तो लोगों को बोला जाता है कि आप क्या ले लो, रिटायरमेंट ले लो। अब भैया अगर मैं रिटायरमेंट ले लूं, अगर मैं घर बैठ जाऊं तो पैसे कमाऊं कहां से? तो इसीलिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है कि भैया तेरे काम जब तू कर रहा है ना, जब तू वर्क कर रहा है, उसी टाइम पे कुछ पैसा सेव कर जो तेको तेरे रिटायरमेंट में वापस मिलेगा, मतलब तेको रिटायरमेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस दिया जाता है लोगों को कि भैया अगर कभी तुमको प्रॉब्लम हो गई है या तुमको मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है या कुछ भी हो चुका है, तो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलता है फॉर योर बेनिफिट। तो ये वाले एक्ट में ये तीन स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस एक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स, आ जाइए बॉस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। एंड इसमें सबसे पहले बोला है कि भैया ये वाला जो एक्ट है ना, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी
provides social security and timely monetary assistance to the employees. जो employee काम कर रहे हैं ना, जो employees काम कर रहे हैं, इनको timely monetary assistance मिलना चाहिए. इसके लिए क्या हो रहा है, ये अपन क्या कर रहे हैं, provident fund वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं. तो भैया ठीक है, हमको समझ में आ गया कि भैया employee को इसका benefit मिलना चाहिए, employee को इसका benefit मिलना चाहिए. लेकिन सबसे पहले मैम हमें employee के बारे में तो पता चले कि what do you mean by employee. लास्ट वाला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था इन द फैक्ट्रीज एक्ट, वो कौन था, वर्कर था. वो डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर वो इंसान कहीं पे काम कर रहा है तो उस प्रीमाइसेस को फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा. यहाँ पे एम्प्लॉय पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर हो रहा है बंदा, तो इसको पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है. इसके लिए आपको क्या देखना है, एम्प्लॉय का डेफिनेशन देखना है. तो यहाँ पे एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या बोलता है, एनी पर्सन हु इज employed, any person who is employed for wages. Wait, Factories Act में remuneration की कोई भी condition नहीं थी. ये differentiation आपके दिमाग में बैठे होना चाहिए कि भैया Factories Act में wages का कोई भी condition नहीं था, यहाँ पे wages का condition है. जो भी employee आपके पास में wages के लिए appoint हो रहा है, उस employee को अपन employee की definition में consider कर लेंगे. In any kind of work, किसी भी तरीके के काम में, whether manual or otherwise, manual काम या दूसरा काम, उसमें अगर कोई employee engaged है, उसमें अगर कोई employee है, तो भैया उसको अपन इसमें consider करेंगे. Of or in connection with the establishment, जहाँ पे काम कर रहा है उसी का काम कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है. Who gets his wages directly or indirectly from the employer, उसको wages का मिलना जरूरी है. कहाँ से मिल रहा है, अपने को कोई लेना देना नहीं है. Includes any person employed through contractor. हमारे फैक्ट्रीज एक्ट में भी वही चीज था कि भैया एजेंसी के थ्रू अगर आपने किसी को ये किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है, तो वो भी आता था. यहाँ पे भी सेम है कि भैया कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी एम्प्लॉयड है, उसको भी अपन एम्प्लॉय के डेफिनेशन में लेंगे. एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, लेकिन वो ट्रेनी नहीं जो अप्रेंटिस एक्ट में है, दूसरा ट्रेनी, करेक्ट. A partner having a status of beneficiary will not be an employee. अगर कोई partner है जो beneficiary बोल के appointed है, तो उसको अपन employee के definition में नहीं रहेंगे. तो once again, employee के definition में कौन-कौन आता है? Any person employed for wages to do any kind of work in the establishment, includes any person employed through contractor or employed as an apprentice, not an apprentice included in the Apprentice Act 1961. Perfect है boss, perfect है. एम्प्लॉय की डेफिनेशन समझ में आई. एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय मतलब वो इंसान जो वेजेस के लिए क्या है, अपॉइंटेड है. एम्प्लॉय मतलब वो इंसान जो वेजेस के लिए क्या है, अपॉइंटेड है. मतलब इससे हमें एक बात समझ गई कि वो एम्प्लॉय जिसको वेजेस नहीं मिलते, वो आपके इसमें आ जाएगा क्या, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा. वो आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा. तो भैया वेजेस के लिए अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है हमारे पास में, तो वेजेस का मतलब क्या है मैम, वेजेस का मतलब क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए. हो सकता है कि एक बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, उसको बस पैसा जा रहा है. हो सकता है वो वेजेस हो सकता है वो वेजेस ना हो. इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स. तो भैया वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है, ऑल द इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड. ऑल द इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड मतलब जो भी पैसा, जो भी चीज आप कमा रहे हो, जो भी चीज. इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन. यहाँ की लैंग्वेज में कंसिडरेशन समझो. अब इट कैन बी इन काइंड और इट कैन बी इन कैश. इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू एंड योर एम्प्लॉयर हैज द रिलेशनशिप स्टेटस, एंड उसके अकॉर्डिंगली पैसा या जो भी है. पर आपको कोई इमोल्यूमेंट मिल रहा है जो आपने कमाया हुआ है, फुकट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपने उसको कमाया हुआ है. वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और ऑन हॉलीडे विथ वेजेस. आप काम कर रहे हो तब कमा रहे हो, आप छुट्टियों पे हो तब कमा रहे हो, आप हॉलीडे विद वेजेस पे हो तब कमा रहे हो. एंड विच आर पेड और पेबल इन कैश. आपको कैश में दिया जा रहा है या फिर आपको काइंड में भी दिया जा रहा है. पहले इसमें काइंड भी आता था, अब यहाँ पे सिर्फ कैश आ रहा है. बट डज नॉट इंक्लूड. कैश का भी डेफिनेशन बहुत वाइड होता है, ठीक है. बट डज नॉट इंक्लूड द कैश वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन, एनी डी ए, एच आर ए, ओ टी, अलावेंस, बोनस, कमीशन. करेक्ट, आपने जो भी पैसा कमाया है उसके अंदर डीए, एचआरए, ओटी अलाउंसेस नहीं आएंगे. एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉयर ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो वो आपके वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा. तो वेजेस के डेफिनेशन में क्या आएगा, प्योरली काम करने के लिए जो पैसा कमा रहे हो वो आ जाएगा. परफेक्ट है, परफेक्ट है. अब मैम आपने बोला था कि ये वेजेस कौन देने वाला है, अपने को एम्प्लॉयर देने वाला है.
ये वेजेस कौन देने वाला है? एम्प्लॉयर देने वाला है। तो चलिए एम्प्लॉयर की डेफिनेशन समझ लेते हैं, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। आपको लिंक समझ रहा है कि सबसे पहले अपन ने एम्प्लॉय की डेफिनेशन समझी। एम्प्लॉय मतलब कौन? ऐसा पर्सन जिसको आपने काम के लिए क्या किया है, एम्प्लॉयड किया है। अच्छा, उसको क्या मिलने वाला है? वेजेस मिलने वाला है। फिर वेजेस का मतलब समझा हमने, वेजेस का मतलब क्या है? ऑल द इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड। कौन देता है ये वेजेस? एम्प्लॉयर देता है। तो अब अपन एम्प्लॉयर के बारे में समझते हैं। तो एम्प्लॉयर, अगर मैं एक फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर क्या रहेगा? एम्प्लॉयर रहेगा। अगर वो मर चुका है तो उसका लीगल हेयर क्या रहेगा? ऑक्यूपायर रहेगा। और अगर वहां पे कोई मैनेजर है तो वो मैनेजर क्या रहेगा? आपका एम्प्लॉयर रहेगा। और कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है तो जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है वो रहेगा। और अगर अफेयर्स किसी मैनेजर और एमडी को दिए हुए हैं तो भैया वो मैनेजर या एमडी क्या हो जाएगा? आपका एम्प्लॉयर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कम ऑन गाइस, कम ऑन। एम्प्लॉय वेजेस एम्प्लॉयर, तीनों भी डेफिनेशन समझ में आई क्या? एम्प्लॉय वेजेस एम्प्लॉयर, तीनों भी डेफिनेशन समझ में आई क्या? फटाफट से बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट कमेंट करो, तीनों भी डेफिनेशन समझ में आई क्या? फटाफट, यस, परफेक्ट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज दी अप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ एक्ट, कि भैया कौन से एम्प्लॉयज को, सबसे पहले तो कौन से एम्प्लॉयज को और कौन से एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज को ये क्या है, अप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि ये किन किन को क्या है, अप्लीकेबल है, किन किन एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या है ये अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग स्कूल और होम वर्कर एंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। फैक्ट्री और एनी एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग स्कूल और होम वर्कर्स विच आर एंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। अगर कहीं पे भी इन फैक्ट्रीज में या इन एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, अगर है, अगर है, तो ये एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। एक्ट क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वंस द एक्ट इज अप्लीकेबल, इट इज ऑलवेज अप्लीकेबल। लेकिन अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, तो भैया वहां पे क्या होगा? या तो सीजी नोटिफिकेशन देके आपको अप्लीकेबल करवा देगा। अगर नहीं है तो एक्ट अप्लीकेबल वैसे तो नहीं है। अगर आपके यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं काम कर रहे तो आपके ऊपर एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर ये अप्लीकेबल करवा सकता है। या तो आप अपनी मर्जी से प्लस हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज को साथ में लेके क्या कर सकते हो, पीएफ कमिश्नर से परमिशन लेके ये एक्ट अपने आप पे अप्लीकेबल करवा सकते हो। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, फैक्ट्री है क्या, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है क्या, कोई भी स्कूल वर्कर है क्या, कोई भी होम वर्कर है क्या, जहाँ पे भी एंगेज है वो एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है क्या, सबसे पहले वो देखना है। 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो यस, वो एस्टेब्लिशमेंट के जितने एम्प्लॉयज है उसके ऊपर क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, ये अप्लीकेबल हो जाएगा। वंस अप्लीकेबल ऑलवेज अप्लीकेबल। लेकिन 20 से कम अगर एम्प्लॉयज है तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेबल करवा सकता है, या सुओ मोटो आप अपने तरीके से क्या करवा सकते हो, अप्लीकेबल करवा सकते हो। ये क्या थी, अप्लीकेबिलिटी। मतलब इन फैक्ट्रीज के, सॉरी, इन एस्टेब्लिशमेंट के, इन एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज को ये एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। इन एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज को पीएफ का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ये एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज को पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये लोगों को, ये एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब अपन ने पढ़ लिया एप्लीकेबिलिटी, अब अपन पढ़ेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि भैया तुम्हारे यहाँ पे 20 एम्प्लॉयज है या 20 एम्प्लॉयज से ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, ये एस्टेब्लिशमेंट्स को, ये एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ईपीएफ एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, ईपीएफ एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सी है? सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे 50 से ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। न्यू एस्टेब्लिशमेंट अप टू इनिशियल ईयर्स ऑफ 5, 5 साल के लिए, मतलब अगर कोई नया एस्टेब्लिशमेंट है तो उसको 5 साल के लिए ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कवर कर रहा है तो उनके ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके लिए बेटर चीजें
लेकर आती है। एनी एस्टेब्लिशमेंट सेटअप अंडर द सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, कोई भी सेंट्रल स्टेट या प्रोविजनल एक्ट के तहत कोई एस्टेब्लिशमेंट सेटअप हो रहा है तो वहां पे भी ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टीट्यूट का अनदर येट फेवरेट क्वेश्चन जो पूछता है कि स्टेट द नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ एक्ट, तो भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ 50 और मोर एम्प्लॉइज, न्यू एस्टेब्लिशमेंट इनिशियल 5 ईयर्स के लिए, एनी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्ड बाय सीजीएसजी जो बेटर चीजों के लिए एंटाइटल्ड है, और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट सेटअप अंडर द सेंट्रल प्रोविजनल एंड स्टेट एक्ट। परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेबिलिटी खत्म होती है। अब हम लोग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। परफेक्ट, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग गोइंग स्मूथली इन टू योर हेड? कुछ भी ओवर हेड्स हो रहा है क्या, बता दो आप बीच। चलिए फटाफट से आवी गुट्टू को फर्दर बस तीन स्कीम्स के बारे में पढ़ना है एंड देन वी आर डन फॉर द सेशन, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सिर्फ भावी और निवेदिता, ये दो ही बच्चे बिचारे जो मेरे साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। गाइज, लाइव सेशन लेने का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि आपके साथ में इंटरैक्ट करना। जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अगर मेरे साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू इंटरैक्ट विथ मी। इट्स परफेक्ट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्कीम्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन से स्कीम्स होते हैं, तो सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम होता है, दूसरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है, और तीसरा होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसको मैं प्यार से इडली बोलती हूँ। इसको कौन सी स्कीम बोलती हूँ मैं? इडली। कौन सी स्कीम बोलती हूँ मैं? इडली। ठीक है, तो सबसे पहले इडली पढ़ते हैं अपन, क्योंकि इडली बहुत छोटू है और फटाफट हो भी जाएगा तो अपने को ईजी भी लगेगा। परफेक्ट, चलो इटली के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिपॉजिटेड विद द डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। आपसे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, आपसे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। मैम, ये कॉन्ट्रीब्यूशन लिया किसके पास से जा रहा है? एम्प्लॉय के पास से, एम्प्लॉय के वेजेस में से जा रहा है ये कॉन्ट्रीब्यूशन। अप्लीकेबिलिटी, सबको अप्लीकेबल है, सबको मतलब सबको अप्लीकेबल है, ये सारे फैक्ट्रीज को अप्लीकेबल है, सबको अप्लीकेबल है, एक्सेप्ट टी फैक्ट्री इन आसाम, एक्सेप्ट टी फैक्ट्री इन आसाम। आसाम की टी फैक्ट्री को ये अप्लीकेबल है क्या? नहीं है। मतलब इडली जो है अपना जो इडली है, अपन जो इडली खाते हैं, अयो अपन जो इडली खा रहा है ना, ये इडली सबको अप्लीकेबल है एक्सेप्ट टी फैक्ट्रीज इन आसाम, एक्सेप्ट टी फैक्ट्रीज इन आसाम। अच्छा, इडली में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले जो एम्प्लॉयज है, अब अपन एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। इडली में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनके वेजेस कितने होने चाहिए? तो मैक्सिमम 15,000। उनके वेजेस कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 15,000। उनके वेजेस कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 15,000। 15,000 के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे इडली का कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या करोगे? डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड में क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे। मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ द होल स्टोरी हाउ इट गोज। कि ये हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने वेजेस कमाए, अब ये वेजेस उसको देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर देने वाला है। ये वेजेस उसको देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर देने वाला है। इस तरीके से जाता है, तो ये एम्प्लॉयर क्या करता है, ये वेजेस में से कुछ पोर्शन क्या करता है? काट लेता है, कट करता है। कितना कट करता है वो मैं बताऊंगी आपको, और ये डाल देगा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस पे, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस पे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये वेजेस कितने होने चाहिए, कौन से एम्प्लॉयज है, कौन से एम्प्लॉयज है, और मैक्सिमम वेजेस कितने होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 15,000, ये होने चाहिए 15,000। अगर एम्प्लॉय का वेजेस 15,000 के नीचे है तो आप वो वाली अमाउंट लोगे, और अगर 15,000 के ऊपर है तो आप कौन सा अमाउंट लोगे? 15,000 का। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं, 15,000 और अमाउंट ऑफ वेजेस विच एवर इज लोअर आपको निकालना है, ये जो अमाउंट आएगी इसका कुछ परसेंट आपको क्या करना है? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड में क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो भैया थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द वेजेस कितना है? मैक्सिमम 50,000। अगर किसी का वेजेस 15,000 से ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन कितने के ऊपर कैलकुलेट होगा? 15,000 के ऊपर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना मिलता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना मिलेगा आपको? अगर आपके ऊपर कोई विपदा आन पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आपको आ जाता है, कोई तकलीफ आपको हो जाती है, तो कितना आपको वेजेस मिलेगा? 2.5 लाख टू
6 लाख का। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना करना है मैम? 1% ऑफ द बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। 1% ऑफ द बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस प्लस आपको क्या करना है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना है विच इज 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। मतलब पहले आप 1% निकालोगे, जो भी आपके वेजेस या सैलरी है उसका 1% निकालोगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15,000 का 1% निकाल रही हूँ, अगर मैं 15,000 का 1% निकाल रही हूँ तो वो कितना होता है? 15,000 का 1% कितना होगा? 150 रुपया। तो 150 का 1/4 आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। 15,000 का 1% विल गो 150 रुपए और 150 रुपए का 1/4 विल 150 का डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है? जो भी आता है वो आपको क्या करना है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन में देना है। ये सब आपको कहाँ पे करना है? इडली में करना है। ये सब आपको कहाँ करना है? इडली में करना है। तो वापस एक बार, इडली में पैसा कहाँ डिपॉजिट होता है? डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड में। किसको एप्लीकेबल है? सारे फैक्ट्रीज को, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को, सारे एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्ट टी फैक्ट्रीज इन आसाम। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 15,000 का। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 15,000 का। और इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना मिलेगा? 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का। कंट्रीब्यूशन का लिमिट कितना है? 1% ऑफ द बेसिक प्लस डीए प्लस आरए। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना देना है? 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना जाने वाला है? 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन। परफेक्ट, इडली डन। अब अपन पढ़ने वाले किसका? एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। अब अपन पढ़ने वाले किसका? एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। तो भैया जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट कहाँ होगा? पेंशन फंड में। डिपॉजिट कहाँ होगा? पेंशन फंड में। एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक का कहाँ पे हुआ था? डिपॉजिट लिंक फंड में, ठीक है? किस पर्पस के लिए डिपॉजिट होता है? तो भैया सुपर एन्युएशन पेंशन। सुपर एन्युएशन पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद वाला, मतलब जो एज है 60 की, जो एज है उसके बाद में जो रिटायरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं सुपर एन्युएशन। फिर रिटायरिंग पेंशन मतलब जब भी आप रिटायर हो रहे हो, वीआरएस वगैरह ले रहे हो वो टाइम पे। परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट, पूरे ही डिसेबल हो चुके हैं जिंदगी में तो उसके लिए यहाँ से पैसा यूज होगा। विडो और विडोवर्स पेंशन। विडोवर मतलब मेल विधवा, विडो मतलब फीमेल विधवा, विडोवर मतलब मेल विधवा। फिर उसके बाद में चिल्ड्रन पेंशन और ऑर्फन पेंशन। कोई बच्चा है उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं तो उसको यहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है? कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा। इडली में कौन दे रहा था कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय दे रहा था। इडली में कौन दे रहा था कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय दे रहा था। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। सिर्फ एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय को पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? पैसा डिपॉजिट कर रहा है। कितना डिपॉजिट कर रहा है? 8.33% ऑफ द बेसिक प्लस डीए प्लस आरे। वहां पे कितना था? 1%। यहाँ पे कितना है? 8.33%। वहां पे कौन कर रहा था? एम्प्लॉय। यहाँ पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन कब तक पे करना है? जब तक आपके एम्प्लॉय ने 58 इयर्स ऑफ एज क्या कर लिया है? अटेंड कर लिया है। 58 इयर्स ऑफ एज क्या कर लिया है? अटेंड कर लिया, मतलब 58 इयर्स तक आपको क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। आपको मतलब हमारे एम्प्लॉयर को। फिर प्रोविजंस अंडर द स्कीम फॉर द मैटर्स, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे ये चीजें बताई गई है कि भैया कौन से मैटर पे आपका स्कीम डील करेगा। अब इसमें क्या क्या बातें डील करनी है और इसके अंदर क्या क्या है ये चीजें आपको नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट दी गई है तो इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पर बुक में है तो भैया हमको चाहिए। मैं नहीं डालूंगी तो बच्चा पहले उठ के बोलता मैडम आपने डाला नहीं, तो भैया ये डाला हुआ है। बट दिस इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये स्कीम के अंदर कौन से बात का मैटर दिया गया है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये मैटर के अंदर चीजें दी गई रहती तो अपन पढ़ते, पर ये सिर्फ लिस्ट है, इसको पढ़ के कोई सेंस नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। जब भी आपको टाइम मिलेगा इसको आप आरटीपी करेंगे, रीड इफ टाइम परमिट्स। रीड इफ टाइम परमिट्स, इसके लिए स्पेशल टाइम अपने को डालना नहीं है। करेक्ट है बॉस। और लास्ट स्कीम फॉर द सेशन विच इज द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है दो जगह पे अपन ने देखा जो भी पैसा है वो किधर डिपॉजिट हो रहा है, एम्प्लॉई पेंशन फंड में और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक फंड में। जाहिर सी बात है यहाँ पे पैसा कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। अच्छा वो फंड कौन एडमिनिस्टर करता है? सेंट्रल बोर्ड एडमिनिस्टर करता है। एप्लीकेबिलिटी किसको है? ऑल द फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टी फैक्ट्रीज इन आसाम को अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा तुमने एक बात रियलाइज करी क्या? एम्प्लॉई पेंशन फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉई पेंशन फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्लॉई पेंशन फंड सबको एप्लीकेबल है, सबको मतलब सबको। लेकिन हमारा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और जो हमारा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है वो टी फैक्ट्री इन आसाम को एप्लीकेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई अर्निंग लेस देन 15,000, 15,000 के नीचे वाले एम्प्लॉयज को ये क्या है? एप्लीकेबल है। लेकिन मैम 15,000 के ऊपर वालों ने क्या गलती कर दी जिंदगी में? उनको भी पेंशन देना चाहिए, मतलब प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका 15,000 से ज्यादा का ये है
वेजेस है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर की और पीएफ कमिश्नर की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट मींस आपके वेजेस का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 15,000, आपके वेजेस का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 15,000। कंट्रीब्यूशन इज पेबल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर, 60 साल तक के लिए आप क्या दे सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों करते हैं। जो इंश्योरेंस वाला था उसमें सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा था, पेंशन वाले में सिर्फ एम्प्लॉयर कर रहा था, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। और दोनों भी कितना करेंगे, 12% ऑफ द वेजेस, 12% ऑफ द वेजेस, 12% ऑफ द वेजेस। वेजेस का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए, कैश वैल्यू कंसिडरेशन प्लस आर ए, बेसिक प्लस डीए प्लस आर ए, बेसिक प्लस डीए प्लस आर ए, कितना परसेंट, 12% ऑफ द वेजेस। हमारा इंश्योरेंस कितना था, 1%, हमारा ये कितना था, पेंशन कितना था, 8.33%, और हमारा ईपीएफ कितना है, 12%। एम्प्लॉयर 12% के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयर 12% के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा मैम, ये फंड में से विड्रॉ कर सकते हैं क्या पैसे, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। किस किस चीजों के लिए करोगे, लेकिन अगर ये चार बातें हो रही है, ये चार बातें हो रही है तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कर सकते। तो भैया परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट, रीपेमेंट ऑफ द लोन इन स्पेशल केसेस विद इन वन ईयर बिफोर द रिटायरमेंट, मतलब 60 का रिटायरमेंट है, 59 पे विड्रॉ कर लो, चलेगा अपने को। अप टू 75% ऑफ द बैलेंस इफ नॉट एम्प्लॉयड फ्रॉम वन मंथ और सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, अगर आपने जॉब छोड़ दी है और एक महीने तक कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं हो तो पीएफ का 75% पैसा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। पीएफ का 75% पैसा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये तो हो गया विड्रॉवल, ये तो क्या हो गया, विड्रॉवल। अब आ जाएंगे एडवांसेस कि भैया फंड में से आपको लोन मिल सकता है क्या, तो बिल्कुल मिल सकता है। कौन सी बातों में मिलेगा, इलनेस इन सर्टेन केसेस, फॉर मैरिज एंड पोस्ट मैट्रिकुलेशन, एजुकेशन, एबनॉर्मल कंडीशन, कि भैया कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, ये नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब एम्प्लॉय को वापस पैसा करने की जरूरत नहीं है। अफेक्टेड बाय कट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नॉन रिफंडेबल है। ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर हु आर फिजिकली हैंडीकैप, ये भी क्या है, नॉन रिफंडेबल है। यस, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर विच इज द ईपीएफ वाला, ये कवर हो चुका है। आई होप आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ये पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो ये है कि सीधा क्वेश्चन आ सकता है, राइट, राइट डाउन द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन पूछ लेंगे, तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, लिखने की है। परफेक्ट है बॉस, यस, वी आर डन विद अनदर चैप्टर, मतलब दो जो मेरे टारगेटेड चैप्टर्स थे, मतलब मेरा फैक्ट्रीज एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी था, बट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी भी अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूस सर्विस वगैरह सब मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैंने उसको सेकंड सेशन के लिए रख लिया है। अभी अपन ने कवर अप कर लिया है फैक्ट्रीज एक्ट और ईपीएफ, अगले वाले सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी और ईएसआईसी। तो भैया अगला सेशन अपने को मिस नहीं करने का है, अगला सेशन अपने को मिस नहीं करने का है, और हम लोग मिलेंगे डॉट 3:15 बजे। हम लोग कितने बजे मिलने वाले हैं, 3:15 को हम लोग मिलने वाले हैं। अभी हो गए हैं 2:07, मैं आपको 7 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ इन योर ब्रेक, तो हम लोग मिलने वाले हैं कितने बजे, 3:15 को, 3:15 को हम लोग क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ओके गाइस, तब तक खाना पीना निपटा लो, बाबू सोना जादू डोना सब निपटा लो, और फटाफट से 3:15 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं, मिलने वाले। यस गाइस, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। निवेदिता लव यू, जस्ट रिवाइज द थिंग्स रिपीटेडली, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये।